हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन क्लास 12th का ये वीडियो नंबर 26 है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स हम निकालना सीखेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ये वीडियो जैसे तैसे कहीं से मिल गया है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आपके किसी दोस्त ने बताया है, कहीं से भी आपको मिल गया है, ठीक है बच्चों, और रिलेशन फंक्शन आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद भी आप भूल जाते हो कि करना क्या है, ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है, तो आपको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, शुरू से करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले, इसको टेक्निकली आपको इसमें घुसाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नोट लगाता हूँ यहाँ पर, और आप भी अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे। सुनिए, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या मैंने बोला? किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब जब कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो, तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन को एफ इनवर्स लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी निकाला जा सकता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट If and only if function f is bijective। अब इसी बात को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बच्चों एक example ले रहा हूँ। ठीक, आपको inverse of function का मैं मतलब भी समझाता चलूँगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो set हैं, ध्यान से चेक करिएगा, आपके पास कोई दो set हैं, set A है और ये set B है। ठीक है बच्चों, अब एक function है हमारे पास, ठीक, function जो कि A से B पे map कर रहा है। ठीक है students, ध्यान दीजिएगा ज़रा, फंक्शन ए से बी पे मैप कर रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? सेट ए, और कोडोमेन क्या हो गई? सेट बी। कोडोमेन क्या हो गई? सेट बी। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है ना कोई रूल होगा, उस रूल से सेट ए के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं किससे? सेट बी से, या सेट ए के एलिमेंट मैप कर रहे हैं किससे? सेट बी से। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब पहली बात, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसको 1-1 होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? उसको ऑन्टो होना चाहिए। इस बात को मैं आपको फील कराता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, लेट अस से यहाँ पर हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक, और यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी डी। पहले बात करते हैं 1-1 की। देखो बच्चों, देखो, सपोज 1 मैप कर रहा है ए से अंडर द रूल एफ, ठीक, 2 मैप कर रहा है बी से, 3 मैप कर रहा है सी से, और 4 मैप कर रहा है डी से। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1-1 है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन एफ में इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? ए। अगर हम 2 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? बी। अगर हम इसमें इनपुट 3 देते हैं तो एफ ऑफ 3 कितना आता है? सी। इसी तरीके से एफ ऑफ 4 कितना आता है? डी। अब ध्यान से चेक करिएगा क्या कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप, क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप जिससे आप इनपुट यहाँ से दो और ये आउटपुट मिले? तो आप बोलोगे हाँ, इसको पलट दो। ध्यान से चेक करो, आप बोलोगे इसको पलट दो। मैंने कहा ठीक है भाई, पलट दो। ठीक, आप बोलोगे इसको पलट दो, तो मैंने बोला ठीक है पलट दो, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक, एफ ए बी सी और डी, और यहाँ 1, 2, 3, 4, ठीक, और कुछ बोल दोगे कि आप ऐसे ये फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का नाम बच्चों आपने क्या रख दिया? एफ इनवर्स रख दिया, और बोला कुछ नहीं है, एफ इनवर्स लिखने का तरीका यार, ये फंक्शन का नाम है एफ इनवर्स, अब बी से ए पे मैप कर रहा है। मतलब ध्यान से समझिए, जो कोडोमेन थी वो डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन गई। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे मेरे को? सुनो, अब आप बोलोगे कि एफ इनवर्स ऑफ ए, मतलब एक नया फंक्शन, ध्यान से सुनो, एक नया फंक्शन आपने बनाया जुगाड़ करके, जैसे भी बनाया आपने एक नया फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन का नाम आपने एफ इनवर्स रख दिया। आप इस एफ इनवर्स में आप इनपुट दोगे, और इनपुट इस बार क्या दोगे? जो पिछली बार आउटपुट थे वो इस बार इनपुट हो जाएंगे। ठीक, तो एफ इनवर्स ऑफ ए, अगर आप ए इसमें एज ए इनपुट दोगे तो 1 मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ बी अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो 2 मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ 3 अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ सी अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 3, और इसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ डी अगर इनपुट दोगे आप इसमें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 4। ठीक है, अब सुनो मेरा क्वेश्चन, सुनो बच्चों मेरा क्वेश्चन सुनो,
अभी ये फंक्शन आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। अभी ये क्या है, ये दो बातों को फॉलो कर रहा है, क्या कि ये वन वन भी है और प्लस साथ में ही ये ऑनटो भी है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, दूसरी कंडीशन जरा देखो स्टूडेंट्स। मान लो फंक्शन कुछ ऐसा होता, फंक्शन कुछ ऐसा होता, ये सेट ए होता, ये बी होता, ठीक है, और यहाँ पर होते एलिमेंट मान लो 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर होता ए बी सी, ठीक। वन मैप करता ए से, टू मैप, टू भी ए से मैप करता, थ्री बी से और फोर सी से। सुनो बच्चों, अगर मैं बोलता कि अब इन्वर्स निकाल सकते हो, पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, और कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है, कौन सा है ये, मैनी वन फंक्शन है, सब लोग पहचान गए होंगे, मैनी वन, ठीक। तो अगर स्टूडेंट इसको आप पलटोगे, अगर इसको आप पलटोगे तो ध्यान से चेक करो, ये तो है f जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, a से b, मतलब आप इनपुट डालोगे 1 आउटपुट a मिलेगा, इनपुट डालोगे 2 तब भी आउटपुट a मिलेगा, इस तरीके से इनपुट 3 तो आउटपुट b, इनपुट 4 तो आउटपुट c। बच्चों अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा फंक्शन आप बना सकते हो इससे कि आपके जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाए और जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाए, आप बोलोगे हाँ कोशिश करते हैं, तो b सेट इधर आ जाएगा, ठीक, और a सेट इधर आ जाएगा, और आप बोलोगे f इनवर्स मैप फ्रॉम b टू a। भैया जरा करके चेक कर लेना एक बार, सुनो अगर हम इसको ऐसे पलट दें, ठीक, तो a b c यहाँ आ जाएंगे और 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाए, मतलब अगर आप अब इनपुट a दोगे तो उसके दो आउटपुट आएंगे, a देने पर, जैसे कि देखो सुनो, 1 इनपुट देने पे a आउटपुट आ रहा था और 2 इनपुट देने पर भी a आउटपुट आ रहा था, तो अब a इनपुट देने पर दो आउटपुट आएंगे, कौन कौन से, 1 और 2। इसी तरीके से b इनपुट दोगे तो 3 आएगा और c इनपुट दोगे तो 4। भैया ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, क्या ये तो फंक्शन ही नहीं है यार, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों, फंक्शन में हमने आपको बताया था कि फंक्शन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं, नो टू डिस्टिंग ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर इस इनवर्स f, इस इनवर्स को हम सेट के फॉर्म में लिखें इस फंक्शन को, तो ध्यान से चेक करिए, a कॉमा 1 और a कॉमा 2 और b कॉमा 3 और b कॉमा 4, दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, यानी कि किसी फंक्शन को, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा हो, वन वन हो, पहली बात तो हमने आपको दिखा दी कि वो वन वन हो। अब सुनो बच्चों, ये जो आपने एफ इनवर्स बनाया है ना, ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, तो ऐसा फंक्शन एफ इनवर्स यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा होता हो, वन वन, तो ऊपर वाला जैसा होना चाहिए था, नीचे वाला जैसा अगर होगा फंक्शन, यानी कि मैनी वन फंक्शन होगा, तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो एक बात तो हमने आपको बता दी, क्या कि फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को वन वन होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात देखते हैं बच्चों, ऑनटो वाली, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पर हमने आपको एक फंक्शन दिखाया है, देखिए फिर से यहाँ पर एक फंक्शन हमने आपको दिखाया है, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है और एफ मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ए से बी पे, 1 2 3 4, और इसी तरीके से यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक, ये कुछ ऐसा, ठीक ये। अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये फंक्शन है और ये वन वन फंक्शन है, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे इसको ऐसा पलट दो, ठीक, तो ये देखो जो f इनवर्स होगा, ठीक, f इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, b से a पे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा था, ये वन वन तो है, ये वन वन तो है, बट नॉट ऑनटो, बट नॉट ऑनटो, ये वन वन तो है स्टूडेंट्स, बट ये ऑनटो नहीं है। क्यों नहीं है ऑनटो, क्योंकि यहाँ पर e की एक प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। हमने कहा भाई f इनवर्स बना के दिखाओ, तो आपने कहा चलो कोशिश करते हैं, तो सेट b इधर आ गया इनपुट की तरफ, यानी कि a b c d e, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेट a उधर चला गया, यानी कि 1 2 3 4, अब जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएंगे, जो आउटपुट थे वो इनपुट हो जाएंगे, तो a को एज अ इनपुट दोगे आप तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक, b को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 2, c को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 3, d को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 4। सुनो, आपने बोला भाई मैंने तो निकाल लिया एफ इनवर्स, भैया सुनो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है यार, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन तभी हो सकता है जब जो पहला वाला सेट होता है ना, जो पहला वाला सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गया हो। ध्यान से चेक करो, ई किसी से मैप नहीं हुआ इसलिए फंक्शन ही नहीं है,
यानी कि आपके कहने के हिसाब से तो एफ इनवर्स, आपने बोल दिया हाँ एफ इनवर्स है भैया, वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन है और नॉन ऑनटो नहीं है तब भी आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये गलत फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है तो रिलेशन है, अभी भी आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इस बात से आपको पता चला क्या कि अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन एफ है और उसका एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप यही चेक करिए, कोई फंक्शन अगर आपको दिया हो तो वो वन वन भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए, यानी कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी भी हम आपको टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं ले चल रहे हैं और हम आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन रहा है आपके सामने, देख लीजिए, बहुत छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है। ये एग्जांपल नंबर वन करके हमने लिखा है, कह रहा है इफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ठीक, और फंक्शन मैप कर रहा है सेट ए से बी की तरफ, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ठीक, और फंक्शन का रूल, फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, f of x is equals to 2x है, कह रहा then write f and find f inverse, ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा किसकी, फंक्शन f की, और फंक्शन f मैप कर रहा है तुम्हारा कहाँ, a से b पे, और फंक्शन का रूल क्या है, f of x is equals to what, 2x, f of x is equals to 2x, ठीक, और ये जो x है, मैं आपको बता दूँ, ये x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन क्या है, सेट a, यानी कि x क्या होगा, सेट a के एलिमेंट होंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। तो ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4, अब f ऑफ 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक, f ऑफ 2 रखोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा, f ऑफ 3 रखोगे 2 3 जा 6 आ जाएगा, f ऑफ 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये f जो फंक्शन आपके सामने ये बना हुआ है, विच मैप्स फ्रॉम सेट a टू b, बच्चों ये 1 1 भी है कि नहीं है चेक करो, और ये ऑनटो भी है, 1 1 भी, 1 1 क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी, या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट है ए हैव द इमेजेस, हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, और ये ऑनटो क्यों, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी देयर इज अ प्री इमेज एग्जिस्ट इन सेट ए, ठीक है, तो ये 1 1 ही भी है और ऑनटो भी है, इसका मतलब अगर ये 1 1 है, ऑनटो है, तो इसका प्री इमेज निकाला जा, सॉरी इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बट उससे पहले उन्होंने बोला था राइट एफ, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपको लिखनी थी, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू लिखिए कैसे, 1, 2, ठीक, फंक्शन को सेट के फॉर्म में लिखते हो ना, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही तो होता है, और रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, तो 1, 2, 2, 4, 3, 4 और 4, 8 ये लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, एफ इनवर्स जो होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है यार, एफ इनवर्स में बस ये ऑर्डर पेयर पलट दिया करो, यानी कि क्या हो जाएगा, 2, 1 और 4, 2 और 4, 3, सॉरी 3, 6 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 6, 3 और यहाँ पर 8, 4, ठीक है बच्चों। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफ इनवर्स जो आया है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वो बी से ए पे मैप कर रहा है, ठीक। एक बात का खासा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि f of x is equals to y है, इन जनरल फॉर्म वी कैन से दैट f of x is equals to what, y, मतलब समझो, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे ये x किसको बिलोंग करेगा, ये डोमेन को बिलोंग करेगा यानी कि सेट a को, और y किसको बिलोंग करेगा, को डोमेन को यानी कि सेट b को, ठीक है बच्चों। तो f of x is equals to y है, मतलब फंक्शन f का जो इनपुट है वो कहाँ से आता है, सेट a से, ठीक, बट जो f इनवर्स होगा ना बच्चों, उसका इनपुट कहाँ से आएगा, सेट b से। तो f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे और इज इक्वल्स टू में आंसर क्या आ जाएगा, x, मतलब जो इनपुट था वो आउटपुट, और जो आउटपुट है वो इनपुट, आप फील कर पा रहे हो, फंक्शन f है, उसका इनवर्स भी एक फंक्शन ही होता है, और उस फंक्शन को f के ऊपर -1 लिखते हैं, यानी कि f इनवर्स, और इस f इनवर्स जो कि फंक्शन f का इनवर्स है, इसके इनपुट क्या होते हैं, y, और y किसको बिलोंग करते हैं, y दूसरे वाले सेट को बिलोंग करते हैं, जो सेट फंक्शन f का क्या था, कोडोमेन था, ठीक। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x होता है, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो इतना आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे टेक्निकल डेफिनेशन पे। ये जो डेफिनेशन हमको डेफिनेशन नंबर 9 एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, है तो ये डेफिनेशन, ठीक है, इसकी हेल्प से हम आपको एक क्वेश्चन भी अभी करके दिखाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना, ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही है, ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो x से y पे मैप कर रहा हो, ध्यान से चेक करिएगा, पहले समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, सेट x से y पे मैप कर रहा है, ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों,
तो इसका जो इनवर्स होगा, ठीक, इसका जो इनवर्स होगा वो हम एफ इनवर्स से दिखा दें। सुन लो, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, फंक्शन एफ का इनवर्स चाहे आप एफ इनवर्स से दिखा दो और चाहे आप जी से दिखा दो, बात क्या है, सेम। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स चाहे आप एफ इनवर्स से दिखा दो और चाहे आप जी से दिखा दो, ठीक। अब बात समझिए जरा, कि अगर फंक्शन एफ आपके पास ऐसा था कि आप ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, अब ध्यान दीजिए एक्स किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, डोमेन यानी कि पहले वाला सेट, ठीक, और वाई किसको बिलोंग करेगा, आउटपुट आएगा वो एलिमेंट्स कहाँ होंगे, सेट वाई में, यानी कि वाई किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई वाले सेट को, ठीक। तो जब आप एफ इनवर्स निकालोगे, ठीक, जब आप एफ इनवर्स निकालोगे तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखोगे एफ इनवर्स ऑफ, अब क्या करोगे पता है, यहाँ एक्स नहीं लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ स्मॉल वाई लिखोगे, क्योंकि जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाएंगे, जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएंगे। इस तरीके से समझने में हमको आसानी होती है। तो जो एफ इनवर्स है इसको हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई, या हम इसको जी ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एफ इनवर्स था उसी का नाम तुमने जी रखा था। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, या जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक। ये रहे आउटपुट, जो आउटपुट थे वो अब इनपुट बन गए, और जो इनपुट थे पहले अब वो आउटपुट बन गए, ठीक। पहले इनपुट क्या था, एक्स, आउटपुट बन गया है, और जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। हाँ, तो बात ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है तो उसका जो इनवर्स होगा ना वो जी होगा, या सुनो बच्चों, इसको आप जी बोलो या एफ इनवर्स बोलो, उसका उस एफ फंक्शन का इनवर्स जी होगा या एफ इनवर्स होगा। और ध्यान अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर f मैप कर रहा है x से y पे, फ्रॉम x टू y, तो f का जो इनवर्स है, f इनवर्स, वो मैप कर रहा है y टू x, पलट जाएगा, ठीक। ये डोमेन थी कोडोमेन, अब कोडोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन, और सुनो कोडोमेन डोमेन इसलिए हो जाएगी क्योंकि f क्या था, वन वन और ऑन टू, इसलिए पूरा यहाँ के हर एक एलिमेंट कवर हो गए होंगे, ठीक, इसलिए पूरा का पूरा कोडोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन, ठीक। तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है सच में, ठीक, तो पक्का ऐसा होता होगा। सुनो, अगर कोई फंक्शन एफ है और वो इनवर्टेबल है और उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, उसका इनवर्स अगर ये आता है तो पक्का ऐसा होता होगा। सुन लो भाई, पक्का ऐसा होता होगा, क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई। याद है आपको, ये आई एक्स क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, और आई वाई क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। सुनो, फिर से याद दिला दूं आपको कि भाई गॉफ भी तो एक फंक्शन है, गॉफ भी तो क्या है, एक फंक्शन ही तो है, और फंक्शन कहाँ से होता है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ठीक है। तो ये जो गॉफ है कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा कौन से सेट पे, एक्स पे, यानी कि बच्चों जो गॉफ होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो एक्स से एक्स पे मैप करेगा, ठीक। अब सुनो, गॉफ की डोमेन क्या होगी बताओ, गॉफ की डोमेन यही होगी, और ऑब्वियसली जब ये एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, तो गॉफ की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इस ये वाला सेट होगा, और इस सेट के एलिमेंट्स को हमने स्मॉल एक्स से दिखाया है, ठीक। और आगे कहता है कि फॉग, ध्यान से सुनो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई हो जाए, फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, आई वाई हो जाए। अब एग्जाम में बच्चे ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि गॉफ आई एक्स होता है कि आई वाई होता है, सिंपल सा फंडा यार, गॉफ की डोमेन क्या होगी, जो एफ की डोमेन होगी, फंक्शन एफ की डोमेन होगी, ठीक, और फंक्शन एफ की डोमेन क्या थी, एक्स थी, और x को कौन बिलोंग करते थे, स्मॉल x वाले एलिमेंट, ठीक। फॉग की डोमेन क्या होगी, जो g की होगी, और g की डोमेन क्या होगी, स्टूडेंट्स लाइट चली गई, शायद माइक प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि इन्वर्टर से चलता है तो माइक में नॉइज़ आ जाती है, आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो सुनो, हाँ, जो g की डोमेन होगी, और g की डोमेन क्या होगी बच्चों, जब ये हाँ g की डोमेन देखिए, आप g की डोमेन यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक, जब फंक्शन पलट गया तो जी की डोमेन क्या हो जाएगी, पलट गया वही तो क्या है जी, मतलब वही तो क्या है एफ इनवर्स, तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई किसको बिलोंग करते हैं, ये वाले दूसरे वाले सेट को, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फॉग होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, किस पे, वाई पे, यानी कि फॉग जो है वो मैप करेगा कहां से कहां, वाई से वाई पे। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार दोहरा देता हूं, अभी क्वेश्चन तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर से मैं दोहरा देता हूं, अगर कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई पे मैप कर रहा है, ठीक, और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब तो तुम समझ गए होगे कि f पक्का 1-1 होगा, ऑन टू होगा, ठीक, तभी तो इन्वर्टेबल होगा। और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स या g है, जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, y से x पे, तो पक्का ऐसा होता होगा कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई एक्स, और फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई वाई, यानी कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन
वाई। ठीक, अभी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आपको फिर से याद दिला दूं कि इस फंक्शन में जो इनपुट रखा वही आ जाए, और गॉफ का इनपुट क्या है, जो एफ का इनपुट है वही, मतलब एफ की जो डोमेन होगी वही गॉफ की डोमेन होगी। ठीक है, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए। इसी तरीके से फॉग ऑफ, फॉग की डोमेन क्या होगी, जो जी की डोमेन होगी, और जी की डोमेन क्या है, वाई। ठीक, तो फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात इतनी। अब एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करूंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल से। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 23 दिया हुआ है एनसीईआरटी में हमको, और कहता है कि लेट एफ मैप फ्रॉम एन टू वाई। ठीक, देखो एक फंक्शन है हमारे पास और ये मैप कर रहा है सेट एन से, और एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो ये एन है और ये वाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, तो फंक्शन का रूल क्या है, 4x प्लस 3, वेयर y, क्योंकि y का भी पता होना चाहिए तुम्हें, है ना, n का पता तो है, n तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आ रहा है। ठीक, और y जो सेट है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिएगा, ये जो y सेट है ये अभी किस फॉर्म में लिखा है, ये अभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, कह रहा है कि y belongs to natural number, y is equals to 4x plus 3, यानी कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो x की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, x की वैल्यू 1 रखो, 4, 1 जा 4 plus 1, 7, ठीक, x की वैल्यू 2 रखो, 4, 2 जा 8, 8 plus 3, 11, इस तरीके से इसमें एलिमेंट आएंगे। और सोचो और y में क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखो, 4, 3 जा 12, 12 plus 3, 15, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, यानी कि y में क्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्लियरली अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, f n से y पे मैच मैप कर रहा था, और f का रूल क्या था, f का रूल था f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 था कि नहीं था। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखो 1, तो 4, 1 जा 4 प्लस 3, 7, तो 1 7 से, 2 11 से, 4 टू जा 8 प्लस 3, और 3 15 से। इस तरीके से मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिए, ना तो इधर कोई एलिमेंट छूटेगा और ना तो इधर कोई एलिमेंट छूटेगा, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो। और हाँ, डिफरेंट एलिमेंट इन सेट n हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट y, तो ये 1-1 भी हो जाएगा और ऑनटो भी, तो f जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, 1-1 भी हो जाएगा, ऑनटो, इसलिए इन्वर्टेबल तो है, ये हमने आपको फील करा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमने आपको फील करा दिया, ठीक, कि f क्या है, इन्वर्टेबल है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि शो दैट f इज इन्वर्टेबल, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। सुनो, अब बच्चे पता क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि f इज इन्वर्टेबल शो करने के लिए f को 1-1 ऑन टो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, सुन लो मेरी बात सुन लो, ये जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना बच्चों, कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, ix, और फॉग इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, iy आ जाए। ठीक है, यही दिखा देना इनफ होता है, यही दिखा देना इनफ होता है कि f क्या इन्वर्टेबल है। f अगर इन्वर्टेबल होगा तो f 1-1 ऑन टो तो होगा, मना नहीं कर रहे, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी भी होती है कि f इन्वर्टेबल होगा तो पक्का अगर आप गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स दिखा दो और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखा दो, ये भी इनफ होता है। ठीक, तो सुनो, अगर तुम चाहो एफ को 1-1 ऑन टो दिखाना चाहो तो पुराने वाले मेथड से दिखा लो, याद है ना, एक्स एक एलिमेंट लेंगे और ये सब करके जो पहले करते थे, वैसे दिखा दो, हम मना नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एफ को 1-1 ऑन टो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको फील कराए, क्योंकि हम दिखाने क्या जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखाने जा रहे हैं। ठीक, अगर इतना ही दिखा दिया तो पक्का एफ को क्या मान लिया जाएगा, इन्वर्टेबल, और f का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, फंक्शन g होगा। ठीक, अब सुनो, तो कह रहा है शो दैट f इज इन्वर्टेबल, तो ये दिखाने के लिए ये दोनों बातें दिखानी होगी, और कह रहा फाइंड इनवर्स, फाइंड द इनवर्स, यानी कि आपको क्या निकालना है, f इनवर्स। तो सुनो बच्चों, पता है f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स निकालने के हमने स्टेप्स आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर, f इनवर्स ऐसे एल्गोरिथम से निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पर वाई किसको बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट को, और x किसको बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट को, उसके बाद ऑप्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, x को y के टर्म्स में निकालिए और x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y रख दीजिए। ठीक है, तो यही हम करते हैं, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे पढ़िए f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ज़रा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करिए, कर दीजिए, f ऑफ x कितना है आपका, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या बोला है आपको कि x को किसके इक्वल रख दो, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल रख दो। ठीक, सुनो मेरी बात, x को x की जगह आप क्या रख सकते हो, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, इसी f इनवर्स y को बच्चों g ऑफ y भी बोला जाता है, इसी f इनवर्स ऑफ y को g ऑफ y भी बोला जाता है, तो g ऑफ y क्या हो जाएगा, y माइनस 3 ऑन 4। अब सुनो, आप
क्या निकालने में कामयाब हो गए, जी ऑफ वाई निकालने में कामयाब हो गए, यानी कि एफ इनवर्स निकालने में कामयाब होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है ये जी ऑफ वाई जो होगा, ये जी जो होगा फंक्शन जिसका आप नाम जी रखा है, ये फंक्शन कहाँ से कामयाब करेगा, वाई से एक्स पे, करेगा कि नहीं करेगा खुद चेक कर लीजिए। पता है कैसे, वाई के एलिमेंट क्या थे, 7, 11, 15, 7, 11, 15, और यहाँ वाई से एन पे, वाई से एन पे मैप करेगा ये, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम इस g फंक्शन में y की जगह, क्योंकि ध्यान से देखिए ज़रा, ये जो सेट y कैपिटल y के एलिमेंट्स हैं इनको हम स्मॉल y से दिखाएंगे, मतलब एवरी स्मॉल y बिलोंग्स टू y, ठीक। g ऑफ y अगर हम निकालना शुरू करें, ध्यान से सुनिए, g ऑफ 7 निकालें, यानी कि स्मॉल y की वैल्यू 7 लेनी है, तुमने लेनी है, तो g ऑफ 7 कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, 4 अपॉन 4, 1, तो जी ऑफ 7 1, यानी कि 7 किससे मैप करेगा, 1 से। इसी तरीके से जी ऑफ 11 निकालो अगर तुम, तो वाई की वैल्यू 11 रखो, 11 माइनस 3 कितना होता है, 8, 8 अपॉन 4, 2, तो 11 किससे मैप करेगा, 2 से। इसी तरीके से जो आप देखोगे कि जो जी होगा, ठीक है, तो ये जी एक पक्का एक फंक्शन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ के ऑक्यूपाइड होंगे और ये भी 1 1 और ऑनटो ही होगा, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हम एक फंक्शन निकालने में कामयाब हो गए हैं, क्या, जी ऑफ वाई, और यही एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। अभी चलो उसको हम इसको काट देते हैं कि अभी मानते हैं एफ इनवर्स नहीं है, मैंने आपको है यही आंसर, आपका सब कुछ आ गया, लेकिन पता है क्या बात यह है कि आपको इस फंक्शन को एफ का इनवर्स बताने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। यही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम f को 1 1 ऑनटो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई अगर दिखाते हैं तो पक्का f को क्या मान लिया जाएगा, f को इन्वर्टेबल मान लिया जाएगा, और यही जो आपने निकाला यही f का क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक। आंसर यही, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको मार्क्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई ना दिखा दें, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, गॉफ। तो ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम गॉफ निकालें, ठीक, तो गॉफ की डोमेन क्या होगी, गॉफ ऑफ एक्स होगा भाई, गॉफ की डोमेन क्या होगी, एक्स ही तो होगी, क्योंकि जो फंक्शन एफ की डोमेन है वही गॉफ की डोमेन होगी, तो गॉफ ऑफ एक्स का मतलब होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, 4x+3, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 4x+3। अब जी ऑफ 4x+3 कितना आ जाएगा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, जी ऑफ वाई तुमने निकाला है, तो जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखोगे तुम, अरे भाई अगर हम तुमसे बोले जी ऑफ 1 निकालो तो वाई की जगह तुम 1 ही तो रखोगे, इसी तरीके से जी ऑफ कितना अगर हम तुमसे बोल रहे हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ ये रखोगे, तो जी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई की जगह 4x+3 रखेंगे, 4x+3, देखो y की जगह 4x+3 और -3 लिखा था, लिख दिया अपॉन में 4, तो ये हो गया क्या, अरे यार लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जी ऑफ 1 अगर मैं बोलता, जी ऑफ 1 निकालने के लिए तो y की जगह क्या रखते, 1 -3 अपॉन 4 ही तो करते ना, ठीक। तो यहाँ पे जो आता जाता है वही हम x की जगह रखते जाते हैं या y की जगह रखते जाते हैं, बट ये फंक्शन g किस में, y में, ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 4x+3 रखेंगे, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आगे आपके पास क्या, 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आ गया, ठीक। और यही तो मैंने आपको बोला था क्या, कि गॉफ को क्या लेके आना है, गॉफ को क्या लेके आना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, गॉफ को आपको ix लेके आना है, आ तो गया, ix का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट, ऑन सेट x, यहाँ कैपिटल x होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x, तो गॉफ इज इक्वल्स टू, मतलब जो इनपुट दिया वही अगर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। तो गॉफ इज द आइडेंटिटी ऑन सेट x। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको फॉग निकालना है, ठीक। तो आइए जरा फॉग निकालते हैं, ठीक। तो f o g fog, और fog की डोमेन क्या होगी, जो g की डोमेन होगी, और g की डोमेन क्या है, स्मॉल y है, और स्मॉल y किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल y वाले सेट को, यार ये आप क्लियरली एग्जाम में पहले मेंशन कर देना सबसे पहले ऊपर, ठीक है, कि ये x और y क्या है, ये आप क्लियरली कहीं ना कहीं मेंशन कर दीजिएगा कि भाई x बिलोंग कर रहे हैं किसको, कैपिटल x को, और y बिलोंग कर रहे हैं किसको, कैपिटल y को, आप कहीं एक बार जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। तो fog of y इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ भाई fog निकालना आता है, क्या होता है, f ऑफ g ऑफ y हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे fog ऑफ y क्या होगा, f ऑफ g ऑफ y होगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, f ऑफ, हाँ g ऑफ y कितना है, g ऑफ y अभी भी तो निकाला था तुमने, क्या y माइनस 3 अपॉन 4 है, अब सुनो f ऑफ इतना तुम्हें निकालना है, तो इस फंक्शन f ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ तुम इतना रख दोगे, यानी कि 4 इंटू x की वैल्यू, x की ये वाली वैल्यू, यानी कि
एक्स की जगह ये पूरा, यानी कि वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर और प्लस थ्री, ये देखो फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ये फोर से फोर गया इज इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री और प्लस थ्री, थ्री से थ्री गया इज इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो फॉग कितना आ गया, वाई आ गया, मीन्स फॉग इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई, मतलब जो इनपुट रखा, इनपुट क्या रखा था वाई, वही आउटपुट मिल गया। तो फॉग भी क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट पे है, कैपिटल वाई पे। क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई किसको बिलोंग करता है, कैपिटल वाई को। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई, अब सुनो मेरी बात। अब हमने गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स दिखा दिया और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखा दिया, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट कि एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक, तो सिंस दीज टू थिंग्स हैपन्स, वॉट कॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई, हेंस हेंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड एफ इनवर्स इज गिवन बाय, एफ इनवर्स इज गिवन बाय, सुनो मैंने क्या बोला था कि जो जी ऑफ वाई वही एफ इनवर्स है। ठीक, तो एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई भी लिख सकते हो तुम इसको। तो जो एफ का इन्वर्स आया है वो कितना आया है, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर। ठीक, और मैंने आपको दिखा भी दिया यही क्या है, यही क्या आपका जी है या फिर यही क्या है एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वाई टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनो, पता बच्चों आप देखोगे तो आप जब लास्ट 10 ईयर सॉल्व करोगे या किसी किताब में देखोगे तो मेरी बात सुनो, पता है आंसर कैसे लिखा रहता है, आंसर ऐसे लिखा रहता है, सुनो आंसर ऐसे लिखा रहता है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई ऑफ वाई, ठीक, इज इक्वल्स टू, या एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू, ऐसे दिखाते हैं। आंसर क्या है हमारा, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, लेकिन वहाँ पे एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर लिखा रहता है। ठीक, सुनो इससे आपको नहीं परेशान होना है, बस वेरिएबल का नाम ही तो चेंज किया है, तो चाहे आप एफ इनवर्स या जी ऑफ वाई को आप वाई माइनस थ्री अपॉन फोर लिख दो या एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर लिख दो, क्योंकि ये जो फंक्शन है बच्चों इस पर अगर आप इनपुट डालोगे कितना, इस पर इनपुट अगर आप डालोगे कितना, ये इनपुट, अब बस अंतर इतना है कि ये जो एक्स है किसको बिलोंग करेगा, ये एक्स बिलोंग इसी को करेगा, किसको, एफ इनवर्स की डोमेन को, यानी कि स्मॉल एक्स किसको बिलोंग करेगा, सेट वाई को, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वाई के टर्म्स में आंसर देना है आप वाई के टर्म्स में दे दो, अगर आपको एक्स के टर्म्स में देना है तो आप एक्स के टर्म्स में दे दो, तो मेरे ख्याल से वाई के टर्म्स में ही दे दो, क्योंकि इससे हमको यहाँ पता चल जाता है कि स्मॉल वाई बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल वाई। तो इस तरीके से हम इसका इनवर्स निकालते हैं। अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं, देखो बच्चों हाँ बात ये करते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है सैम्पल पेपर में जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लास में भी बच्चे पूछते हैं, वो कहते हैं सर क्या एफ को हम इन्वर्टिबल दिखा दें, कौन से वाले तरीके से, वन वन से और ऑनटो से, वन वन से और ऑनटो से, ठीक, वो जो पुराना वाला तरीका था। तो मैं ये राय देता हूँ, दो मिनट लगने हैं यार, दो मिनट लगने हैं, ठीक, वो भी कर दो, ये सब तीन हम करने से पहले ये तो करोगे करोगे, ये तो करना करना पक्का जरूरी है। गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल टू आई वाई, ठीक, एफ को जो तुम इनवर्स नहीं दिखाते थे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए वाले तरीके से जो पहले पढ़ाया था इससे पहले, वही, तो आप फटाफट एफ को वन वन और ऑन टू भी कर दो, दो मिनट लगने हैं यार, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन एफ है इस क्वेश्चन में एक लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का है ना, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, और लीनियर पॉलिनोमियल तो आपने देखा हमेशा वन वन होता है और ऑन टू होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो उसको वन वन ऑन टू भी पहले प्रूफ कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लीजिए इसको। स्टूडेंट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 एनसीईआरटी का, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ये सेट वाई है, ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन इसका करेंगे, सेट वाई में एन स्क्वायर आ रहा है, जहाँ पर स्मॉल एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो सेट वाई को हम आपको ना जानबूझ के कौन से फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में, स्मॉल एन बिलोंग्स टू क्या बताओ, कैपिटल एन, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, अरे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है यार, वन टू थ्री फोर ये सब होता है, यानी कि जो स्मॉल एन है ये क्या क्या हो सकता है, क्योंकि स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो वन टू थ्री फोर ये सब हो सकता है, ठीक। तो वाई में क्या आएगा, एन का स्क्वायर, स्मॉल एन का स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, इस तरीके से इस कैपिटल वाई सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। और कह रहा है कि ये जो कैपिटल वाई है ये सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ कैपिटल एन, बिल्कुल सही, ये जो वाई है कैपिटल वाई ये सबसेट किसका है, कैपिटल एन का, दिख तो रहा है यार, ये नेचुरल नंबर का सेट ही तो है, सॉरी सेट कह रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर का सबसेट ही तो है कैपिटल वाई जो आया है हमारा, ये क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट कहाँ है, नेचुरल नंबर के सेट में। कह रहा है कंसिडर एफ मैप फ्रॉम एन टू वाई, ठीक, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू वॉट, एन स्क्वायर, समझिएगा स्टूडेंट जरा, देखिए एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ, एन से वाई पे, तो एन से कहाँ पे मैप कर रहा है, वाई पे, और रूल क्या फॉलो करता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, एन से कहाँ मैप करता है, वाई पे, और रूल क्या फॉलो करता है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मतलब एन की वैल्यू अगर हम वन डालें, क्योंकि स्मॉल एन बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर, तो वन का स्क्वायर जो भी डालोगे उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर फंक्शन है, तो वन का स्क्वायर वन,
फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर क्या है बच्चों 16। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 1 भी 1 भी, तो उसका इन्वर्स तो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जनरल मेथड से 1 ऑन टू पहले प्रूफ कर लीजिए। ठीक, बट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि f इन्वर्टेबल हो जाएगा अगर तुमने क्या दिखा दिया, गॉफ इज इक्वल्स टू ix और फॉग इज इक्वल्स टू iy अगर तुमने दिखा दिया तो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, अब हम तो यही काम करेंगे बस यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया यही कर दो तो काफ़ी है। इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट f इज इन्वर्टेबल, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। तो भैया मन है तो तुम इसको यार 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर लो, और अगर नहीं भी प्रूफ करोगे ना तो यार लिख दो ना कि एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दो ये मैपिंग वाला, और बोल दो कि फ्रॉम दिस मैपिंग क्लियरली वी सी दैट द फंक्शन एफ इज़ 1 ऑन टू। तो उसको ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफ इज़ इन्वर्टेबल हो गया, चलो एफ इन्वर्स हमको निकालना है। ठीक, तो हमने आपको एफ इन्वर्स निकालने के लिए क्या स्टेप बताए थे कि पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक, तो हम भी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो नहीं एफ ऑफ एन रखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नहीं है यहाँ, एफ ऑफ एन है, तो हम भी एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू वाई रखेंगे। ठीक, तो पुट एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू हमने कितना रखा, वाई रखा। एक चीज़ यहाँ पर बच्चों क्लियर कर लीजिएगा क्या, कि स्मॉल एन किसको बिलोंग करता है, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला सेट एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल वाई। ठीक, अब यहाँ से एफ ऑफ एन कितना है, एन स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या करना था हमको, ध्यान से चेक करो, कहता था ऑप्टेन इन एक्स, ऑप्टेन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ पर ऑप्टेन इन एक्स की जगह एन, तो एन की वैल्यू वाई के टर्म्स में, तो एन इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओ स्क्वायर रूट लगा दोगे। अब बच्चे बोलेंगे कुछ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो सुनो स्मॉल एन क्या था, नेचुरल नंबर था, हमें भी पता है स्क्वायर यहाँ से हटाओगे यहाँ प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है बच्चों, बट प्लस माइनस वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि स्मॉल एन एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो एन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई, और यही जो एन है स्टूडेंट्स, यही जो एन है यही क्या है, एफ इनवर्स है, और एफ इनवर्स ऑफ वॉट, एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यही एफ इनवर्स ऑफ वाई ही क्या है, जी ऑफ वाई है, मतलब ये जो एन आया है बच्चों हमेशा याद रखिए जो आ जाता है एक्स ना, यही एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है और जी ऑफ वाई होता है, मतलब यहाँ पे जो एन आ गया है यही जी ऑफ वाई होगा या यही एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। ठीक, तो इसको अभी तो बहरहाल हम जी ऑफ वाई लिख के चलेंगे, क्या लिख के चलेंगे, जी ऑफ वाई, अभी हम इसको एफ इनवर्स नहीं बोल रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो जी फंक्शन आया है हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, वो कब होगा जब आप क्या निकाल लो, गॉफ, तो आओ जरा गॉफ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम गॉफ निकाल रहे हैं। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा गॉफ। अब सुनो गॉफ की डोमेन क्या होगी, देखो लाना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, गॉफ की डोमेन क्या होगी, यानी गॉफ का इनपुट क्या होगा, जो एफ का इनपुट है, और एफ का इनपुट क्या है, एन, यानी कि हमको क्या निकालना है, गॉफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्या लाना है, आई कैपिटल एन, गॉफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर, इसी तरीके से फॉग। अब जी की डोमेन क्या थी, चेक करो जी की डोमेन क्या थी, ध्यान से चेक करिए, जी की डोमेन क्या है, कैपिटल वाई वाला सेट है, यानी कि इनपुट क्या दोगे, स्मॉल वाई, क्योंकि स्मॉल वाई किसको बिलोंग करता है, कैपिटल वाई को, तो फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, क्या आई वाई लेके आना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले हम क्या निकालते हैं, गॉफ, तो गॉफ ऑफ एन का मतलब तो आप लोग समझते हो क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक, अब यहाँ से देखिए जी ऑफ और एफ ऑफ एन कितना था, एफ ऑफ एन था एन स्क्वायर। ठीक, अब जी ऑफ एन स्क्वायर का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, इस फंक्शन में यही तो है जी ऑफ, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ तुम क्या रखोगे, एन स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अरे ध्यान से चेक करो, अगर जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट वाई है तो जी ऑफ वन कितना हो जाएगा, रूट वन, तो जी ऑफ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर एन स्क्वायर, और रूट के अंदर एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एन आएगा। तो आपने देखा क्या, आपने क्या देखा, क्या लेके चले थे बताओ, आप लेके चले थे गॉफ ऑफ एन, और वो क्या आ गया, एन, तो इसका मतलब क्लियरली गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग, फॉग निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी फॉग, ठीक, फॉग ऑफ वाई अगर हम निकालें तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई होता है। ठीक, तो f ऑफ, व्हाट इज g ऑफ y, g ऑफ y ध्यान से चेक करिएगा, g ऑफ y कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ y आया है, स्क्वायर रूट ऑफ y आया है। अब ध्यान से चेक करो, f ऑफ n अगर 1 स्क्वायर है तो f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ रूट y क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, रूट y, यानी कि n का स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये सबको पता होगा, तो यहाँ y आ जाएगा। ठीक, यानी कि
फॉग ऑफ, सुनो फॉग ऑफ वाई को बच्चों ऐसे देखो, फॉग ये फंक्शन हो गया, उसकी इनपुट क्या दे रहे हो वाई, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं फॉग ऑफ वाई। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप ऐसे लिख दो, फॉग लिखने के बाद वाई लिख दो, फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई आ गया, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक है बच्चों, तो बस सिंस फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई एंड गॉफ इज इक्वल्स टू आई एन, हेंस दिस फंक्शन इज व्हाट, इन्वर्टेबल, एंड इनवर्स इज गिवन बाय, तो एफ इनवर्स इज गिवन बाय, एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा आपका क्या, ये जो जी ऑफ वाई है यही क्या है, एफ इनवर्स है। एक चीज़ यार मेरे से गलती हो गई, ठीक 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 कोई बात नहीं, एफ इनवर्स ऑफ वाई तो लिखा था, क्योंकि एफ इनवर्स एक फंक्शन, उसको इनपुट क्या दोगे, वाई दोगे ना, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई या एफ इनवर्स भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और आपने पहले भी बताया था, फिर से बता दो कि स्मॉल वाई किसको बिलोंग करता है, कैपिटल वाई के सेट को, तो यही जो जी फंक्शन है यही क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 25, एक फंक्शन है वो नेचुरल नंबर के सेट से कहाँ मैप कर रहा है, रियल नंबर के सेट पे, और ये फंक्शन का रूल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, और कह रहा है कि शो दैट एफ मैप फ्रॉम एन टू एस। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए यहाँ पर एफ मैप कर रहा है एन टू रियल नंबर, ठीक, फंक्शन मैप कर रहा है इनका एन से रियल नंबर पे, और हमने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से कोडोमेन पे, डोमेन से कोडोमेन पे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर n है और यहां क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक, ये एक फंक्शन है। अब कह रहा है कि, और ये फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन n मैप, इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो इसकी बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर हम इसको बनाएं, इसको बनाएं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको अगर हम बनाएं तो क्या होगा बताओ, अगर n की वैल्यू तुम 1 रखोगे, ठीक, क्योंकि इसके जो इनपुट होंगे x बिलोंग्स टू, अरे ये तो मैं पहले लिख देता हूँ, सुनो, स्मॉल x बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो n, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, n है, तो x बिलोंग्स टू n, n होगा कैपिटल n, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें n की वैल्यू 1 रखो, तो 4 वन ज़ा 4, और 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 15 कितना आएगा, 31, ठीक, तो ये मैप करेगा किससे, 31 से। ठीक, इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 12 2 ज़ा 24 प्लस 15 जो इतना भी आ जाएगा यार, देख लेना, जोड़ लेना, है ना, 5 4 9, 9 6 15 का 5, 1 ग्यारह से 2 4, 1 5 55, ठीक, तो 2 मैप करेगा किससे, 55 से। अब मेरी बात सुनो कि ये जो फंक्शन था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला रूल तो यही फॉलो होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, जब हम इस फंक्शन को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब इस फंक्शन को, इसकी बात कर रहा हूँ भैया, जब इस फंक्शन को देखते हैं तो इसमें सारे रियल नंबर नहीं मैप होते हैं, 1 छूट जाता होगा, 2, 2.2, माइनस 3.3 छूट जाता होगा, ठीक है, तो इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन नॉट 1-1 है, ध्यान से चेक करिए, सॉरी नॉट ऑनटो है, नॉट ऑनटो है, ये ऑनटो नहीं, ठीक है, ये वाला फंक्शन ऑनटो नहीं है, 1-1 तो होगा बट ऑनटो नहीं होगा, ठीक है, तो इस फंक्शन की वो बात नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस फंक्शन में ये नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर से कहाँ मैप कर रहा है, एस पे, और एस क्या है स्टूडेंट्स, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, वेयर एस द रेंज ऑफ, मतलब इसकी जो रेंज आ रही थी, इसकी रेंज में क्या क्या थे जो यहाँ पे मैप हो गए थे, यानी कि रेंज पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, यानी कि जो रेंज होगी सेट एस होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे मैप होते होंगे, यानी कि अगर हम मोटी मोटी बात बोलें, ठीक है, तो 1 रखने पर क्या आएगा इस फंक्शन में, एफ मैप फ्रॉम एन टू एस में, 1 रखने पर 31 आएगा, 2 रखने पर 55 आएगा, इसी तरीके से 3 रखने पर कुछ आएगा बट वो यूनिक एलिमेंट होगा, तो ये वाला जो एफ होगा जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, एफ विच मैप फ्रॉम एन टू, एन टू एस का मतलब रेंज ऑफ द रियल, सॉरी रेंज ऑफ ओल्ड फंक्शन, रेंज ऑफ ओल्ड फंक्शन एफ, ये वाला जो फंक्शन था, ठीक, तो ये वाला जो फंक्शन होगा एन टू एस वाला, ये पक्का क्या होगा, 1-1 होगा, आपको दिख रहा होगा 1-1 होगा और ऑनटो भी होगा, तो इस फंक्शन पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक। एग्जाम में ऐसा भी लिख के आता है, फ्रॉम एन टू एस ना लिख के एस की जगह वो लोग क्या लिख देते हैं, आर डी शर्मा में मैंने देखा था, एफ मैप्स फ्रॉम एन टू, और यहाँ पर एस की जगह लिख देते हैं ये लोग रेंज ऑफ एफ, ठीक, रेंज ऑफ एफ लिख देते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपको ये नीचे वाले फंक्शन पे आपको फोकस करना है, ये 1-1 है, ऑनटो है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन होगा ये इन्वर्टेबल तो होगा। अब फिर से वही बात कि इन्वर्टेबल दिखाने के लिए आप इसको 1-1 ऑनटो दिखाते रहो 10 घंटे, वो ना दिखा के मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, पहले तो दो एलिमेंट डिसाइड करो, ध्यान से चेक करना, x बिलोंग्स टू क्या होगा, बात किसकी करने जा रहे हो, f मैप फ्रॉम n टू s की,
ठीक, और x बिलोंग्स टू क्या होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, नेचुरल नंबर, और स्मॉल s कोई या y कोई एलिमेंट ले लो, और y किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल S को, तो ये S को, सॉरी x को और y को आपने पहले ही डिफाइन कर लिया है। तो हम क्या, हमको क्या दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको दिखाना पड़ेगा गॉफ इज इक्वल्स टू, तो शो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, शो दैट, शो क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि गॉफ, गॉफ, अब f की डोमेन क्या है, f की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिखाना पड़ेगा, आई एन, क्योंकि x किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को, तो गॉफ को आइडेंटिटी ऑन N दिखाना पड़ेगा, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, दूसरी बात क्या दिखाना पड़ेगा, फॉग, फॉग, हाँ भाई, G की डोमेन क्या होगी, ध्यान से चेक करो, जब इसको पलट दोगे तो एक फंक्शन आएगा ना G तुम्हारे पास, जो S से कहाँ मैप करेगा, N पे, तो G की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, G की जो डोमेन होगी वो सेट S होगा, यानी कि गॉफ ऑफ Y, क्योंकि Y बिलोंग्स टू सेट S, तो इसको हमको आई एस दिखाना पड़ेगा। अब फिर से वही बात, सबसे पहले तो क्या निकालो, इनवर्स निकालो, तो ऑप्टेन X इन टर्म्स ऑफ Y, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो फंक्शन क्या था तुम्हारे पास, ये था, तो ये f ऑफ x को किसके इक्वल रखो, y के इक्वल रखो, और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, तो f ऑफ x कितना है स्टूडेंट तुम्हारा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल्स टू y। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले यहाँ से 4 कॉमन ले, बड़ा लंबा तीन झाम है, ठीक है, पर फिर भी अगर तुम डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट भी बना लोगे, ठीक है, कहीं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर पक्का आया होगा यार, मैंने शायद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कराया, तो वहाँ सीख लेना अगर नहीं आता होगा, यहाँ हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और अभी 12x को छोड़ दो, ठीक, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 9 प्लस 6 15 होता है, और 9 को तुम क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर, चेक करो 15 को क्या लिखा, 3 स्क्वायर प्लस 6। अब ध्यान से चेक करो 12x को क्या लिख सकते हो तुम, 2 × 2x × 3 लिख सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट चेक करो क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × 4 = 12x आ जाएगा, बीच में प्लस का 6 बच गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू y। अब ध्यान से चेक करना, यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 6, y माइनस 6 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तुमने हटाया। अब बच्चे बोलेंगे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, भैया तुम x निकालने जा रहे हो, और x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमने यहाँ केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, 2x इज इक्वल्स टू रूट ओवर y माइनस 6 और माइनस 3, और अगले स्टेप में ये पूरा आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। तो ये जो x आया है स्टूडेंट्स, यही x क्या है, g ऑफ y, यही x क्या है, g ऑफ y, और इसी g ऑफ y को, इसी g ऑफ y को तुम f इनवर्स बोल दोगे, लेकिन तब बोलोगे जब तुम ये दोनों बातें दिखा दो, ठीक है। तो आओ जरा दिखाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम गॉफ को पकड़ते हैं, तो गॉफ ऑफ x का मतलब क्या होगा बच्चों, g ऑफ f ऑफ x होगा। अब ध्यान से चेक करो क्या कि g ऑफ, यहाँ f ऑफ x की वैल्यू रखो, f ऑफ x कितना है तुम्हारा, अच्छा f ऑफ x जो यहाँ पर तुमने बना के रखा था उस पर, देखो f ऑफ x कितना था, ये पूरा था, और इसी f ऑफ x को तुमने सुधार लिया था अभी, ध्यान से चेक करो ना, इसको कुछ ना कुछ बना लिया था तुमने, क्या बना लिया था इसको, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, अरे इसी को सॉल्व किया था, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 बनाया था, ठीक। तो इस f ऑफ x की जगह अब तुम ये पूरा ना रख के इसको, जो तुमने थोड़ा सा कम क्या कहते हैं, तुमने फॉर्मूला लगा के प्लस बी का होल स्क्वायर का, तुमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लिया है वाला स्टाइल रखो, यानी कि 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ठीक। तो f ऑफ x की जगह ये तुमने रख दिया। अब सुनो, g ऑफ इतना निकालना है, ध्यान से चेक करो, g ऑफ इतना निकालना है, तो इस g ऑफ y में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ इतना रख दोगे, ठीक। तो ध्यान से चेक करना जरा, g ऑफ y में स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 आ रहा था, बट y की जगह हमको क्या रखना है, ये पूरा, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक। तो y की जगह हमने कितना रखा, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब देखो माइनस का y तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ माइनस का
सॉरी माइनस का सिक्स तो यहाँ लिखा है, तो हम भी यहाँ माइनस का सिक्स लिख देंगे, और इस स्क्वायर रूट के बाहर माइनस थ्री है, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस थ्री, होल डिवाइडेड बाय टू, तो होल डिवाइडेड बाय टू हो गया। ठीक है, अब देखो ये सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, तो अंदर अंदर है ना यार, स्क्वायर रूट के अंदर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिएगा क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस थ्री अपॉन टू। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे किसी होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि टू एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू। अब ध्यान से चेक करिए, टू एक्स और सिक्स माइनस थ्री कितना होता है, सिक्स माइनस थ्री होता है आपका कितना, थ्री, ठीक है, अपॉन में टू। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलती शायद हुई है हम लोगों से, क्या गलती हुई है, क्योंकि ये x नहीं आ रहा है, ये 2x प्लस थ्री कैसे बच जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है हमारी शायद। देखिए स्टूडेंट, एक गलती कर दी मैंने यहाँ, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आपका जो एफ ऑफ एक्स जो बना था वो 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर था, क्या था, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ना, ये एफ ऑफ एक्स कितना बन गया था, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक है, तो यहाँ मैंने 2x प्लस थ्री की जगह 2x प्लस सिक्स लिख दिया, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, यहाँ भी क्या आएगा, 2x प्लस थ्री, तो 2x प्लस थ्री, अब 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x अपॉन 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x। तो आपने क्लियरली देखा क्या कि गॉफ ऑफ फाइनली गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x आ गया, x का मतलब कि जो इनपुट डाला आपने वही आ गया, यानी गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन, आइडेंटिटी ऑन वेयर, वेयर वेयर आइडेंटिटी ऑन विच सेट, वेयर बोल रहा हूँ सॉरी, आइडेंटिटी ऑन विच सेट, आइडेंटिटी ऑन वो वाला सेट जिस वाले सेट को स्मॉल x बिलोंग करता है, तो स्मॉल x किसको बिलोंग करता था, नेचुरल नंबर को, यानी कि गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो गॉफ तो आइडेंटिटी आ गया। अब हम फॉग को आइडेंटिटी करेंगे, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर हम फॉग को भी आइडेंटिटी करेंगे, इतना कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं क्या, फॉग ऑफ y, तो कैसे निकालोगे, फॉग ऑफ y का मतलब f ऑफ g ऑफ y, ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ y का मतलब f ऑफ, हाँ g ऑफ y कितना आया था तुम्हारा, ये आया है पूरा g ऑफ y, अरे यही है पूरा g ऑफ y, तो रखो यहाँ पर, तो f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स, आपका f ऑफ x कितना आया था, f ऑफ x जो आया था सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वो आया था 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस सिक्स, ठीक है, ये आया था। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ ये पूरा हमको एज इट इज लिख देना है। तो देखिए 2 इंटू एक्स था, x की जगह ये पूरा लिखना है, यानी कि x की जगह क्या लिखना है, ये पूरा, यानी कि x की जगह हमको स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस सिक्स और माइनस थ्री अपॉन टू, देखिए 2 इंटू एक्स और प्लस थ्री का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या कि y आ रहा है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉग को हमको आइडेंटिटी करना है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट लगा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस सिक्स माइनस थ्री, ओके, और ये ब्रैकेट क्योंकि बस यही बचा हुआ है और साथ में प्लस थ्री, और इस पूरे पे लगा हुआ है क्या, इस पूरे पे होल स्क्वायर प्लस सिक्स लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, इसको सॉल्व तो करना बनता है, सॉल्व तो करना पड़ेगा स्टूडेंट इसको। हाँ एक चीज़ ध्यान से देखें बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, मतलब ये जो पूरी ब्रैकेट में चीज़ है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं ध्यान से चेक करिए, अगर हम ये वाले ब्रैकेट को भी हटा दें तो ये फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस सिक्स, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर रूट लगा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी सॉल्व करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस सिक्स का, बस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और प्लस सिक्स। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी वाई माइनस सिक्स पे स्क्वायर रूट है और उस पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि क्या आ जाएगा, वाई माइनस सिक्स और प्लस का सिक्स बाहर है, तो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स क्या, fog of y, fog of y is equals to y आ गया, यानी कि fog क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से वाले सेट पे, जिस सेट को स्मॉल y बिलोंग करता था, स्मॉल y किसको बिलोंग करता था, सेट s को, यानी कि fog इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन
सेट एस। अच्छा एक चीज बच्चों, गॉफ इज इक्वल टू आई एन आ गया, फॉग इज इक्वल टू आई एस आ गया, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। और इसका इन्वर्स ये रहा, ये जो आया आपका जी ऑफ वाई, ठीक है, ये जो आया जी ऑफ वाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई टू, यही क्या है आपका इन्वर्स है, ठीक है। तो आप फाइनली लिख सकते हैं क्या कि एफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू जी, ठीक है बच्चों। तो ये जो जी आया यही क्या है, एफ इन्वर्स है। अब सुनो बच्चों एक बात मैं आपको और बताऊं, आपकी बुक में पता है क्या लिखा हुआ है, जब उन्होंने जी ऑफ वाई निकाला है यहाँ पर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स लिख दिया है। पता है क्यों लिख दिया, क्योंकि वाई की वैल्यू या तो सिक्स लोगे आप, देखो जब सिक्स लोगे तब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो है वाई क्या हो सकता है, सिक्स या सिक्स से बड़ा, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला, अगर वाई की वैल्यू सिक्स लोगे सिक्स माइनस सिक्स स्क्वायर रूट के अंदर जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वाई की वैल्यू आप फाइव ले लो तो फाइव माइनस सिक्स अगर करोगे तब तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी, तो उसको आप कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स रिलेशन फंक्शन में बच्चों ये वीडियो नंबर 27 है, ठीक है, और इनवर्स ऑफ फंक्शन हम पढ़े थे वीडियो नंबर 26 में, आपने देखा था इनवर्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था। जो बच्चे चैनल पर नया है, रिलेशन फंक्शन बच्चों अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा पक्का, ठीक। अगर आप ये सोच रहे हो एक दो घंटे की वीडियो कहीं से कर लें, इम्पॉसिबल, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, फ्रीली नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, रट के जाओगे, नया क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक। तो अगर आपको इस चैप्टर को सीखना है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, अपने आपको टाइम दीजिए करीब एक दो हफ्ते का, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या वीडियो नंबर 27, और आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन में ही हम आगे बात करेंगे, बट थोड़ा सा मिला जुला टॉपिक होगा, हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 1 की, थ्योरम नंबर 2 की एनसीईआरटी में। तो बच्चों जो थ्योरम नंबर 1 दी हुई है, थ्योरम नंबर 2 दी है, और सुनिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, प्रूफ करने वाले। तो ये सब आखिर क्या है, तो सुनो ये सब पता है क्या है, ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन है बच्चों। इसको एनसीईआरटी में इन्होंने टॉपिक नहीं नाम डाला है, टॉपिक का नाम नहीं डाला, आप आरडी शर्मा खोलेंगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा क्या, कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक। तो ये जो कुछ भी अब हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 26 है उसको हम करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आगे प्रॉपर्टीज आती रहेंगी किस पे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ भाई ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक। आप जब एक्सरसाइज कर रहे होगे 1.3 जब मैं आपको कराऊंगा तब भी मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, तो आप तुरंत अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों देखिए अगर आप पेपर में जैसे तैसे काम चलाना चाहते हो, ठीक है, कि हाँ भाई 60 मार्क्स आ गए तो बहुत है, 60% आ गए तो बहुत है, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब सोच रहे हैं कि भाई 90 से ऊपर जाएं या बढ़िया नंबर आएँ, तो उनके लिए क्या होता है, आप देखोगे हर साल पेपर में क्वालिटी क्वेश्चन डाल देता है, और वो क्वालिटी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आया, आता हो एनसीईआरटी से ही है, तो कैसे आता है, ये जो थ्योरम्स होती है ना बच्चों इनको ही वो उठा के दे देता है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी प्रूफ करने के लिए दे दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो थ्योरम प्रूफ करना आना आपको चाहिए, वो एग्जाम में दे देगा तो आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। तो ये देखते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में कहता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन है एफ मैप कर रहा है एक्स टू वाई, और अगर कोई फंक्शन जी है मैप कर रहा है वाई टू जेड, और कोई फंक्शन एच है मैप कर रहा है जेड टू एक्स एस, देन कह रहा है कि एच ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू हॉग ऑफ एफ। कैसे पढ़ोगे इसको, एच ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू हॉग ऑफ एफ, मतलब आपके पास तीन फंक्शन थे, ठीक है, और तीन फंक्शन को यहां पे कंपोज किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, पहले आप गॉफ निकाल लो, ठीक, पहले आप गॉफ निकाल के उसका कंपोजिशन एच के साथ लो, या आप हॉग निकाल के उसका कंपोजिशन एफ के साथ लो, बात क्या होती है, सेम, ठीक। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पे इसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले LHS लेते हैं, ठीक, LHS में क्या है आपके पास, LHS में है H ऑफ गॉफ है, H ऑफ गॉफ है, बच्चों ध्यान से सुनो, चाहे H ऑफ गॉफ हो चाहे हॉग ऑफ F हो, देख कितना घबराना नहीं, ये भी तो एक फंक्शन ही है भाई, ये भी तो एक फंक्शन ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी डोमेन बताओ, इसका इनपुट क्या होगा बताओ, ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट वही होगा जो किसका होगा, एफ का, जो एफ की डोमेन होगी, ठीक है, जो एफ की डोमेन होगी वही डोमेन होगी किसकी बच्चों, इसकी, ठीक है, मतलब बाद में जो आपको दिखता है वही, मतलब जैसे एफ दिख रहा है, ठीक, तो एफ के जो इनपुट वाले एलिमेंट होंगे, मतलब एफ की जो डोमेन होगी वही इस पूरे की होगी, ठीक। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं एक्स, मतलब इस पूरे फंक्शन को आपने इनपुट क्या दिया, एक्स, समझ में आ गया ना। तो एच ऑफ गॉफ
ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो कोई पूछेगा ये क्या लिखा है, तो बोलोगे भाई ये पूरे फंक्शन की इनपुट हमने क्या दी, एक्स, और ये जो एक्स है ये किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल एक्स, क्योंकि एफ की डोमेन क्या थी, कैपिटल एक्स, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, कैपिटल एक्स। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने देखा होगा, देखो अगर मैं ऐसा करता आपके साथ, देखो एच ऑफ हॉफ में बोलता निकालो, तो आप बोलते भाई एच ऑफ एफ ऑफ, ये देखो हॉफ निकालने का मतलब है कि ये हॉफ एक फंक्शन, इसको आप इनपुट एक्स देते, और नेक्स्ट स्टेप में आप बोलते थे क्या कि एच, और ये ओ हटा के ब्रैकेट लगाते थे एफ ऑफ एक्स, ठीक। उसी तरीके से एफ की जगह हमारे पास क्या है, एफ की जगह हमारे पास ये पूरा है, तो इस पे हाथ रख लो, अब एच ऑफ मतलब ये ब्रैकेट लगेगा और एच ऑफ ये पूरा आ जाएगा अंदर वाला, और इस अंदर वाले में हम इनपुट क्या देंगे, एक्स। देखो अंदर वाला जो एफ मतलब ये जो एफ था इसमें इनपुट क्या दिया तुमने, एक्स, तो ये वाला जो भी लिखा है इसमें हम इनपुट मतलब गॉफ में हम इनपुट क्या दे देंगे, एक्स। बात समझ में आई, ठीक। तो ये वाला ओ हटा के हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब सुनो, अब ध्यान से चेक करो एच, अब देखो इसको तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, वहां बताया तो मैंने, बस अंदर वाले को देखो, तो इसको क्या लिखोगे, जी, और ये वाला ओ हटा के जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हटा के ओ हटा के हमने ये ब्रैकेट ऐसा हमने लगा दिया, ठीक। अब यहीं पे हम छोड़ देते हैं, तो हमारा LHS क्या आ गया स्टूडेंट्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इतना आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये आ गया LHS, ठीक। तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब ठीक इसी तरीके से हम RHS निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो RHS को ध्यान से चेक करो क्या है, RHS है आपका हॉग ऑफ x, है तो ये भी एक फंक्शन ना, है तो ये भी एक फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो f की होगी, तो f की डोमेन क्या थी, कैपिटल x, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट स्मॉल x आएंगे। तो इस पूरे फंक्शन को ध्यान से चेक करो बच्चों, ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है, x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में वही काम क्या, कि ये जो हॉग लिखा है तो एक फंक्शन ही ना, तो इसका कंपोजिशन एफ के साथ करो, तो ये लिखो पहले, यानी कि हॉग लिखो और ये वाला ब्रैकेट हटाओ, तो हॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहां पर, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर एच और ये वाला ओ हटा के ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो एच ऑफ जी ऑफ, और ये ब्रैकेट तो ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक। तो ये वाला यहां पे क्लोज हुआ ये, ठीक। तो ये वाला जो ब्रैकेट आया है, ये वाला ओ हटा के आया है, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये हटा के एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जो RHS आया है, सॉरी जो LHS आया है वही RHS आया है, यानी कि LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हेंस दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, क्या कि एच ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ एक्स, और यहां लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम आपने देखी, एच ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ F, ठीक है, इस थ्योरम पे बेस एग्जांपल नंबर 26 आपकी NCERT में दिया हुआ है। इवन एग्जांपल नंबर 26 को उन्होंने पहले सॉल्व कराया, थ्योरम को बाद में, मैंने उल्टा कराया, थ्योरम कराया, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ। सुनो, एक फंक्शन है F, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप कर रहा है, G नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप कर रहा है, और H फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। F ऑफ एक्स 2x है, G ऑफ y 3y प्लस 4 है, और H ऑफ z sin z है, ठीक। और एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर के सेट को, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको प्रूफ करना है यही, क्या कि एच ऑफ जी ऑफ एच ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ एफ, हॉग ऑफ एफ, ठीक है। तो बच्चों LHS लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, LHS ये रहा, यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे, एच ऑफ गॉफ निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, एच ऑफ गॉफ की इनपुट क्या होगी, मतलब इनपुट कहाँ से आएगी, इसके डोमेन से, किसके, एफ के। तो और F में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ध्यान से चेक करो, फंक्शन F में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, X, और X बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एच ऑफ गॉफ, ये जो पूरा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है, एक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें, तो ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, एच, अब जब ये वाला ब्रैकेट हटाओगे, सॉरी ये वाला ओ हटाओगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ध्यान से चेक करिएगा, इसको बोलेंगे एच ऑफ गॉफ, देखो एच ये हटाया तो ये वाला ब्रैकेट लगाया, तो एच ऑफ गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ x, मतलब इस गॉफ को अब इनपुट क्या मिलेगी, x। अरे यार, इस पूरे फंक्शन को इनपुट क्या मिली थी, x। तो ये ब्रैकेट हटाओगे, ऐसे ही तो प्रूफ कराया था ना, तो ये सॉरी ये o हटाओगे तो ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, h ऑफ, ऑफ के लिए क्या लगा दिया, ब्रैकेट, और गॉफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब अंदर वाला सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, एच ऑफ, ध्यान देना जरा, अगर तुम चाहो तो इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि भाई पूरा एक गॉफ एक फंक्शन होगा ना, गॉफ एफ और जी को कंपोज करके एक फंक्शन आया है, और इस फंक्शन का इनपुट कितना है, एक्स है, तो तुम इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक। और गॉफ को तो तुमको सॉल्व करना आता ही है, तो गॉफ कैसे सॉल्व होता था, इस ओ को हटाओगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है। ये अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, यहां पर एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह तुम क्या रख सकते हो, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 2x, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 2x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक चेक कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखा हमने, 2x, तो जी ऑफ 2x हो गया। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्या, कि ये जो जी फंक्शन है आपका, ठीक, देखिए जी ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 3y प्लस 4 है। अगर मैं आपको बोलूं जी ऑफ 1 निकालो, तो आप जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दोगे, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 4 कर दोगे। तो इसी तरीके से अगर जी ऑफ 2x मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, जहां जहां y है वहां वहां 2x रख दोगे, ठीक। तो 3 इंटू y की जगह 2x प्लस 4, तो 3 टू 6x प्लस 4, ठीक। तो जी ऑफ 2x कितना आ गया, 6x प्लस 4, तो यहां से आ गया आपके पास h ऑफ, अब जी ऑफ 2x मैंने सॉल्व करके दिखाया है कितना है, 6x प्लस 4, ठीक, ये आ गया, ओके, बहुत बढ़िया। अब h ऑफ 6x प्लस 4 कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, h फंक्शन कितना दिया हुआ है, h ऑफ z कितना दिया हुआ है, h ऑफ z दिया आपको sin z, ठीक है। और अगर मैं h ऑफ 1 या h ऑफ 2 बोलूं आपसे, तो आप निकालोगे sin z की जगह 2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर h ऑफ 6x प्लस 4 बोलूं आपसे, 6x प्लस 4, तो जहां जहां z है वहां वहां आप क्या रख दोगे, 6x प्लस 4, यानी कि sin ऑफ 6x प्लस 4, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यही आ रहा होगा एनसीईआरटी में, चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर h ऑफ 6x प्लस 4 कितना आ जाएगा, sin ऑफ 6x प्लस 4, और आगे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल स्मॉल x belongs to the set of natural number, ठीक, स्मॉल x किसको belong करता है, set of natural number को। अब बच्चों आपने LHS निकाल लिया, अब RHS निकाल लीजिए, अगर इतना ही आ जाए इसका मतलब ये theorem क्या है, verified हो जाती है, ठीक। तो RHS निकालते हैं students, RHS में क्या है आपके पास, ये है, यानी कि h of, sorry, hog of f, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये पूरा एक function है, और इस function की input क्या होगी, इस function की input x ही तो होगी, तो hog of f, hog of f of x, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, h of, सॉरी, hog, अब ये वाला o हटाते हैं, यानी कि hog, hog of what, hog of, ये वाला हटाया o, इसकी जगह ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो hog, hog किसका, इसका, hog of f of x, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, hog of what, f of x, और f of x कितना है आपका, 2x है, 2x है। अब ध्यान दो मेरी बात, ध्यान दो, पता है ये hog जो एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये hog पूरा एक फंक्शन है, और इसकी डोमेन क्या है, 2x है, इसकी डोमेन ये रही, ठीक। इसको इनपुट क्या दोगे आप, 2x दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिखेंगे, h of, o की o हटाएंगे, h of g of 2x हो जाएगा ये, ठीक, h of g of 2x हो जाएगा ये, ठीक। अब ये नेक्स्ट स्टेप में होगा h of g of 2x कितना होगा बच्चों, g of 2x कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए, g of 2x कितना होगा, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां 2x रखोगे, तो 3 टू जा 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। g of 2x कितना आ गया, 6x plus 4, और h of 6x plus 4 कैसे निकालोगे, h फंक्शन कैसे डिफाइन था, sin z से, तो z की जगह क्या रखेंगे, 6x plus 4, तो ये हो जाएगा sin in the bracket 6x plus 4 for all x belongs to the set of natural number। तो इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स आपने क्या, कि जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है, इसलिए h of gof is equals to hog of f, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 27 एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है एक बार, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि इसके बाद हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 2 कहता है, इफ एफ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी मैप फ्रॉम वाई टू जेड बी टू इन्वर्टेबल फंक्शंस, मतलब अगर एफ और जी दो इन्वर्टेबल फंक्शंस हो, मतलब एफ बी 1 1 ऑन्टो है और जी बी 1 1 ऑन्टो है, ठीक।
तो गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, तो गॉफ भी इन्वर्टिबल होता है पक्का। और गॉफ अगर इन्वर्टिबल होता है तो गॉफ का इन्वर्स निकालोगे, तो गॉफ का जो इन्वर्स है इसको हम ऐसे लिखते हैं, गॉफ के ऊपर ब्रैकेट लगा के माइनस वन, यानी कि गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू कैसे दिया जाता है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स से दिया जाता है। ठीक, तो ये तो हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इससे पहले 27 एग्जाम्पल करने से पहले बच्चों, वीडियो नंबर 26 अगर आपने नहीं देखा है, डेफिनेशन नंबर 9 जिसमें हमने डिस्कस किया था, याद दिला दूं आपको क्या होता था। कहता था अगर एक फंक्शन f मैप कर रहा है x टू y इज इन्वर्टिबल और वो इन्वर्टिबल हो तो इफ देयर एग्जिस्ट, बच्चों सुनो, जैसे ये e होता है ना, तो e का अगर मिरर इमेज बना लोगे आप ऐसा उल्टा, ठीक, तो इसको हम देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो अगर आपको शॉर्ट में देयर एग्जिस्ट लिखना हो तो आप उल्टा ई बना दिया करिए। ठीक, तो इफ देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट, याद है आपको, अगर एफ एक फंक्शन एक्स से वाई मैप करता था और जी अगर वाई से एक्स मैप करता था, सच दैट कि गॉफ आइडेंटिटी ऑन एक्स और फॉग आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाता था, तो जो जी होता था वही क्या होता था, एफ इनवर्स होता था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है एक फंक्शन एफ है जो मैप कर रहा है, देखो सेट के नाम भी रख सकते हो आप, ये वाला जो सेट है 1 2 3 वाला, इसका नाम ए रख दो और ए बी सी वाले का नाम आप सेट बी रख दो, और ए बी सी वाले का नाम तो सेट बी है ही अभी अभी आपने रखा, और एप्पल बॉल कैट वाले सेट का नाम सेट सी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आई एस की मैपिंग कर ले रहे हैं, कह रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर कोई फंक्शन की वैसे डेफिनेशन नहीं दी हुई है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x देता था ना, ना 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 वैसे नहीं दिया हुआ है। वो कहना चाहता है 1 इनपुट डालोगे तो a मिलेगा, 2 इनपुट डालोगे तो b मिलेगा, 3 इनपुट डालोगे तो c मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो देखो मैं यहाँ करता जाऊँगा और रब भी करता जाऊँगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी, तो आप करते रहिएगा। देखो बच्चों, ये फंक्शन f है जो a से कहाँ मैप कर रहा है, b पे। a में एलिमेंट क्या है, सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट क्या है ए बी सी। अब ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ 1 कितना आता है ए, एफ ऑफ 2 बी, और एफ ऑफ 3 सी। ठीक, तो क्लियरली एफ इज 1 1, ध्यान से चेक कर लीजिए, एफ इज 1 1 एंड ऑनटो, एफ 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए देयर फोर एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक, एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है बच्चों, और f अगर इन्वर्टेबल है, ठीक, तो f का अगर इन्वर्स बनाओगे तो वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, f इन्वर्स मैप करेगा कहाँ से कहाँ, b से a पे, तो सेट b से a पे मैप करेगा। ठीक, यानी कि पलट जाएगा ऐसे। ठीक, तो a b c और 1 2 3, ठीक, कुछ ऐसा। ठीक, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें सॉल्यूशन में, तो ध्यान से चेक करिएगा कि जो f इन्वर्स ऑफ a होगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा, 1 f इनवर्स। भाई आपने पढ़ा है ना कि कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑनटो हो तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है ना, तो क्योंकि f 1 1 था ऑनटो था इसलिए f इनवर्स निकालना पॉसिबल है, इसको हम पलट देंगे, यानी कि जो को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो को डोमेन बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट और जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा। ठीक, ये हो गया, फिर f इनवर्स ऑफ c आ गया कितना, 3। ठीक, इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सेट G है वो आपका कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, ये B है और ये क्या है, C है, इसी में बना दो, समझ जाओगे क्या आप, चलो छोड़ो अलग से बना देता हूँ, B और ये A, सॉरी B से C पे मैप कर रहा है, B से C पे। ठीक, A B C, और यहाँ आएगा क्या आपके पास, एप्पल एप्पल बॉल कैट। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको इतना आसान मत समझो, उसमें थोड़ा ध्यान देना आपको, जी मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, बी से सी पे। ठीक है बच्चों, अब क्लियरली आप ध्यान से चेक करिए, जी भी क्या है, जी भी क्या है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दी हुई जी की, जी ऑफ ए एप्पल है, जी ऑफ बी बॉल है, और जी ऑफ सी कितना है, कैट है। ठीक है, तो जी इज 1 1, जी इज 1 1 एंड ऑन टू, जी इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस g is invertible। तो g भी क्या है, invertible है, क्योंकि g bijective function हो गया 1 1 on 2, और अगर g invertible है, ठीक है, तो g inverse कहाँ से कहाँ मैप करेगा, g inverse बच्चों मैप करेगा कहाँ से कहाँ, set b से, सॉरी set c से b पे, set c से b पे, यानी कि आपका जो apple है और ball है और cat है, ठीक, ए बी सी से मैप, एप्पल ए से, बॉल बी, बॉल तुम्हारा बी से, और कैट सी से मैप करेगा। ठीक,
चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अभी काम भी आएगा ना। तो जी इनवर्स ऑफ व्हाट एप्पल, जी इनवर्स ऑफ एप्पल ए आ गया, जी इनवर्स ऑफ बॉल तुम्हारा कितना आ गया बी आ गया, और जी इनवर्स ऑफ कैट कितना आ गया तुम्हारा सी आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब सुनो मेरी बात जरा, यहाँ पर वो कहता है कि शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। ठीक है बच्चों, एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। ठीक है सुनो, एफ को तो हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, जी को भी हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, अब हमें गॉफ का इन्वर्टेबल दिखाना है। ठीक, तो अगर हम गॉफ बनाना चाहें, अभी इसमें बड़ा लफड़ा है स्टूडेंट्स, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको गॉफ को दिखा देता हूँ कि गॉफ भी मनमन है। देखो गॉफ भी एक फंक्शन ही है ना, और आपने तो पढ़ा था क्या कि अगर एफ ए से बी और जी अगर बी से सी मैप कर रहा हो तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ ए से सी पे मैप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो गॉफ है आपका, जो गॉफ है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो ए से, यानी कि इसकी डोमेन होगी जो सेट एफ की है, तो ये ए से सी पे मैप करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं जरा बना बना कर। ठीक, तो जो गॉफ ऑफ व्हाट, अब देखो इस गॉफ में आप इनपुट क्या दोगे, जो एफ की इनपुट है, और एफ की इनपुट क्या है, 1 2 3। ठीक, तो गॉफ ऑफ वन अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, जी ऑफ एफ ऑफ वन। ठीक, तो ये हो जाएगा जी ऑफ व्हाट, अरे ये ओ हटा के आपने ये ब्रैकेट लगाया, तो जी ऑफ एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन कितना है, एफ ऑफ वन कितना है ए, तो यानी कि यहाँ पर ए, तो जी ऑफ ए कितना है, अब जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट, जी ऑफ ए एप्पल है, जी ऑफ ए कितना है एप्पल है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप गॉफ ऑफ टू निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ टू आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ टू का मतलब व्हाट इज एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू इज बी, तो जी ऑफ बी कितना आ गया, बॉल आ गया। इसी तरीके से गॉफ ऑफ थ्री अगर आप निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री कितना है सी, तो जी ऑफ सी कितना आ गया, कैट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप एक एरो डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है, और ये एरो डायग्राम यदि आप दिखाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इनपुट आपने क्या दिए गॉफ में, 1 2 3, तो 1 2 3, और गॉफ मैप कर रहा था ए से सी पे, तो 1 एप्पल से मैप कर जाएगा, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट एप्पल आया, 2 बॉल से, और 3 आपका कैट से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। ठीक, तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी हमारे काम आएगा। ठीक, तो गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 1 आपका आ गया स्टूडेंट्स कितना, एप्पल। ठीक, और या एक काम करते हैं ना, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, और गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 2 बॉल आ गया, और गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 3 कैट आ गया। ठीक है बच्चों, अब सुनो, गॉफ आप ध्यान से चेक करिए, गॉफ ये जो बनाया है आपने, गॉफ फ्रॉम ए टू सी, गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1 एंड ऑनटो। ठीक, गॉफ 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए गॉफ क्या है, देयरफॉर गॉफ इज इन्वर्टेबल। गॉफ क्या है, इन्वर्टेबल है, और अगर गॉफ इन्वर्टेबल है बच्चों, तो गॉफ इन्वर्टेबल है, तो गॉफ का इन्वर्स आप ऐसे लिखोगे, गॉफ ये देखिए, ये गॉफ का इन्वर्स है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये गॉफ का इन्वर्स है, गॉफ का इन्वर्स लिखने का ये तरीका है, गॉफ इन्वर्स। ठीक, गॉफ लिख के ऊपर इन्वर्स। ठीक, तो गॉफ इन्वर्स बच्चों मैप करेगा आप कहाँ से कहाँ, गॉफ इन्वर्स मैप करेगा सी से ए पे, तो सी से ए पे। ठीक, और गॉफ इन्वर्स कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका सेट सी, ये रहा सेट सी, और ये रहा सेट ए, यानी कि एप्पल बॉल कैट। ठीक, 1 2 3, ये ऐसा। ठीक, अब इस बात को स्टूडेंट आप कहीं पे नोट भी कर लेंगे, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगा, तो मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान से चेक करिए, गॉफ इन्वर्स इनपुट अगर हम एप्पल दें तो यहाँ पे देखिए, गॉफ इन्वर्स पूरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन की इनपुट अगर हम एप्पल दें, ठीक, तो आउटपुट कितना आता है इसका, 1 आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम गॉफ इन्वर्स की इनपुट कितनी दें, बॉल, तो आउटपुट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर हम कैट दें, गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर हम कैट दें, तो आउटपुट क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, पता है क्या बात है, बात ये है, समझना जरा, कह रहा था कि शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। बच्चे बोलेंगे हमने तो भाई दिखा दिया कि एफ जी और गॉफ तीनों ही इन्वर्टेबल है, कैसे पता है, बच्चे बोलेंगे एफ को हमने 1 1 दिखा दिया और ऑनटो भी दिखा दिया,
तो बहुत सही, एफ इनवर्टिबल माना जाएगा क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया। जी को भी हमने वन वन और ऑन्टो दिखा दिया था, इसलिए जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई करता है, और जी इनवर्स निकाल के बच्चों ने दिखा भी दिया है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद गॉफ को भी वन वन ऑन्टो दिखा दिया बच्चों ने, गॉफ को भी वन वन ऑन्टो दिखा दिया, तो गॉफ भी इन्वर्टेबल है, और गॉफ इन्वर्टेबल है तो गॉफ इनवर्स भी उन्होंने निकाल के दिखा दिया फ्रॉम सेट सी टू सेट ए। और वो देखिए लिखा हुआ है गॉफ इनवर्स के बारे में, ये रहे सब डोमेन के एलिमेंट्स और ये कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। लेकिन बच्चों एक बात बताऊँ, अभी यही कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक। उन्होंने बोला है फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गॉफ इनवर्स, ठीक। तो तीनों ही हालांकि हम निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो एफ इनवर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले समझिएगा ज़रा, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें कहानी है जो छुपी हुई है, ठीक है, तो ज़्यादा उतावले मत होना कि अभी ये हो गया है। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बताओ, ए बी सी वाले सेट से, उल्टा हो गया ना, ए बी सी वाले सेट से ये मैप कर रहा है कहाँ, वन टू थ्री पे, ठीक। और जी इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बोलो, जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट से, एप्पल बॉल कैट से कहाँ मैप कर रहा है, ए बी सी पे, मतलब ए बी सी वाले सेट पे, ठीक है। और इसी तरीके से गॉफ का जो इनवर्स आपने निकाला है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वो मैप कर रहा है एप्पल बॉल कैट वाले सेट से, एप्पल बॉल कैट वाले सेट से स्टूडेंट्स वो मैप कर रहा है कहाँ तुम्हारा, वो मैप कर रहा है वन टू थ्री वाले सेट पे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, पता है लास्ट में कहता है कि शो दैट गॉफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये हम बाद में निकालेंगे, रुको जरा, रुको रुको, अब मेरी बात सुनो। बात ये है कि जब आपने डेफिनेशन नंबर 9 पढ़ा था तो कोई फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स कोई एग्जिस्ट करता है y से x पे, अगर फंक्शन x से y पे था, सच दैट कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी ऑन x, और x क्या है, डोमेन ऑफ f, फॉग आइडेंटिटी होना चाहिए ऑन y, और y क्या है, डोमेन ऑफ g। तो सुनो भैया अभी अभी अब एक एक करके तीन बार काम करेंगे, सुनो एक एक करके तीन बार काम करेंगे, ये मैंने क्या बोल दिया, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा। तो आप ये जो डेफिनेशन नंबर 9 थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आपको जो है करके दिखाना है, और नहीं भी करके दिखाओगे तो क्लियरली करके लिख देना है, कैसे लिखना है सुनो। देखो बच्चों अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो जी कोई एग्जिस्ट करता होगा, ठीक। तो यहां पे आपने पहले हम बात करते हैं एफ की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन एफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक। और एफ का जो इनवर्स है उसको आपने एफ इनवर्स से दिखाना है, और यही तो जी है। तो सुनो अगर एफ इन्वर्टेबल है तो दो बातें क्या आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी, ये वाली बताइए, क्या ये दो बातें आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी बताओ, ये दोनों बातें भी तो दिखानी पड़ेंगी ना। तो यानी कि अगर एफ एफ अगर अगर एफ इन्वर्टेबल है तो हम देखते हैं एफ इफ एफ इज इन्वर्टेबल तो दो बातें होनी चाहिए क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, कौन से सेट पे, कौन से सेट पे बताओ, उस सेट पे जो सेट एफ की डोमेन है, यहां पर एफ की डोमेन एक्स होता था लेकिन यहां पर फंक्शन एफ की डोमेन ए है, यानी कि आई ए आना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात क्या दिखाना चाहिए आपको, कि फॉग इज इक्वल्स टू, एंड फॉग इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जो किसकी डोमेन है। अब देखो अब रुक जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, यहां भी के लिए मैं आई वाई लिख देता हूं, समझ गए बच्चों। अब ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कैसा लिखूंगा, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। सुनो मैंने तुमको क्या बताया कि जी को ही तुम एफ इनवर्स बोलते हो, तो इस जी की जगह क्या मैं एफ इनवर्स नहीं लिख सकता हूं, अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, उन्होंने बोला है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। अब समझ में आई बात, यानी कि ये जो जी है यही तो एफ इनवर्स होता है ना भाई, अगर f x से y पे मैप कर रहा है तो f इनवर्स कहां से कहां मैप करता है, y से x पे, ठीक। तो गॉफ ना बोल के आप f इनवर्स ऑफ f भी तो बोल सकते हो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, सही है। अब बच्चे बोलेंगे आपने यहां गॉफ क्यों नहीं लिखा g, अरे मेरे भैया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर g भी एक फंक्शन है, और ये जो g एक फंक्शन है ये इसका इनवर्स थोड़ी ना f का, बात समझो, इसलिए f के इनवर्स को हम g से नहीं दिखाएंगे, इस बार हम f इनवर्स से दिखाएंगे, ठीक। तो सुनो यानी कि f इनवर्स ऑफ f
आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए ए पे, एंड वहां पे आप क्या बोलते थे कि फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाए, लेकिन यहां पर आप क्या बोलोगे फॉग ना बोल के एफ ऑफ एफ इनवर्स बोलोगे, क्योंकि जी इस क्वेश्चन में जी फंक्शन एक दिया हुआ है और जी फंक्शन एफ का इनवर्स थोड़ी ना, इसलिए वाले जी का नाम क्यों ला रहे हो भाई। ठीक, तो यहां पर जो जी होता था वो एफ का इनवर्स ही तो होता था, तो तुम यहां पर जी की जगह क्या लिखोगे एफ इनवर्स लिख दोगे। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी फंक्शन किस पे लाना है सुनो, आइडेंटिटी फंक्शन जी की डोमेन पे लाना होता था, जी की डोमेन क्या थी वाई, यानी कि यहां पर हमको आइडेंटिटी फंक्शन कहां लाना होगा एफ इनवर्स की डोमेन पे, तो एफ इनवर्स की डोमेन क्या थी बताओ, ये रही एफ इनवर्स की डोमेन ए बी सी वाली, और ए बी सी वाले सेट का नाम क्या है बच्चों सेट बी, यानी कि फॉफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन बी लाना पड़ेगा आपको। ठीक, ला के मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक, बट आप क्या बोलोगे, आप एग्जाम में बोलोगे, आपके पास जैसे टाइम नहीं एग्जाम में, तो आप पता है सिर्फ इतना लिखोगे इट कैन बी ईजली सीन, इट जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, समझा मैंने आपको दिया, इट कैन बी ईजली सीन दैट, इट कैन बी ईजली सीन दैट, बस ये बात लिख दोगे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई ए एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई बी। ठीक, हेंस एफ इज इन्वर्टेबल और एफ का इनवर्स आपने निकाल के यहां रखा हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर तुम्हें इसको निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकालोगे ध्यान से चेक करो, एफ इनवर्स ऑफ एफ का क्या मतलब होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यही होगा, और सभी एक्स किसको बिलोंग कर रहे होंगे एफ की डोमेन को, यानी कि सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से रखोगे सेट ए से, और सेट ए क्या है 1 2 3, तो एक बार 1 रखोगे यानी कि एफ ऑफ 1। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एफ इनवर्स ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 कितना था ए था, और एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए बच्चों 1 है। तो ध्यान से चेक करो जो इनपुट रखी थी तुमने इसमें, अरे भाई ये देखो ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो निकाला था तुमने, तो 1 एज अ, अरे 1 ही तो इनपुट रखा था ना, तो आउटपुट भी क्या मिल गया 1 मिल गया, सही 1 रखने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आइडेंटिटी है कि नहीं है, कौन से सेट पे, ए पे, और मैं निकाल के दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम तुम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, अब एक्स की जगह तुम क्या रखोगे 2, सेट ए के हर एक एलिमेंट रखोगे, जिसने पहले पढ़ा होगा ना भैया उसी को समझ में आएगा, सुन लो ठीक है, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले के वीडियो करे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, एफ इनवर्स ऑफ, हाँ अब एफ ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करो एफ ऑफ 2 कितना है बी है, और एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बोला था कॉपी में नोट कर लो, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना था 2, तो ध्यान से चेक करो, अब आपने क्या किया एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2 निकाला, ठीक, इनपुट 2 रखी तो आउटपुट भी 2 मिली, अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 अगर तुम निकालोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक, और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 कितना है सी, ठीक, तो एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है, ध्यान से चेक करो एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है 3, तो रखा तुमने क्या 3 और आ भी क्या गया 3, इसीलिए हमने बोल रहे हैं कि जो रख रहे हो वही मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि अच्छा मिल क्या रहा है, मिल 1 2 3 रहा है, रखे कहाँ के एलिमेंट 1 2 3 के एलिमेंट रखे है ना, और 1 2 3 कौन से सेट को बिलोंग करता है ए को, इसका मतलब जो रखा वही आ गया, इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट में ए पे, बात समझ में आई, तो ये दोनों बातें भी आपको करके दिखानी है। अब इसी तरीके से ये भी करके दिखा दूं क्या कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट लेना शुरू करो, यहाँ आइडेंटिटी ऑन बी दिखाना, बी में क्या है ए, तो पहले ए पे निकालेंगे, तो एफ ये ओ हटाओगे तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ व्हाट ए, अब तो यहीं पे सामने निकाल देते हैं एफ ऑफ, हाँ भाई एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है 1 है, और एफ ऑफ 1 कितना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 है ए, ठीक, ये आपने अपनी कॉपी में पहले ही लिखा हुआ है, ये दिया भी हुआ है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, तो रखा क्या था तुमने बताओ ए, इसमें एफ ऑफ एफ इनवर्स में ए रखा, मिल क्या गया ए, इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, आप खुद कर लेना, बी आ जाएगा, और इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा, तो क्लियरली एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी, अब जाके पक्का हो गया कि ये एफ क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, और ये इनवर्स हमने निकाल के रखा हुआ है। सुनो मेरी बात, मैंने तो बच्चों इनवर्स पहले ही निकाल दिया, आपको इनवर्स बाद में निकालना है,
ठीक है, या आप चलो निकाल भी सकते हो क्योंकि एफ को मन मन ऑन तो दिखा दिया था, ठीक है, बट ये दोनों बातें भी आपको करनी है। तो आपने एफ के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे जी के बारे में। पहले इतना नोट कर लो बच्चों जी के बारे में, जी को आपने वन वन ऑन तो दिखा दिया था, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट जी के लिए भी आपको ये बातें तो प्रूफ करनी होंगी ना। तो जी अगर एक फंक्शन है, ठीक, जी अगर एक फंक्शन है, कहां से कहां है आपका फंक्शन, ये बी से सी पे, बी से सी पे, तो बच्चों इसका जो इन्वर्स होगा वो जी इन्वर्स से दिखाओगे इस बार, है ना भाई, जी इन्वर्स नाम रख दो ना। तो जी इन्वर्स कहां से कहां होगा बताओ, सी से बी पे, और हमने आपको दिखाया भी था, ये देखिए सी से बी पे, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए क्या कि वहां पे फंक्शन क्या होता था f, ठीक, यहाँ तो f की जगह इस बार आप क्या रखोगे g, तो यहाँ इसको देख देख के यहाँ से करो, ये मेन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो सीधी सी बात है यार, आगे क्या रखते हैं, इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स और पीछे फंक्शन, यानी कि g इनवर्स ऑफ g इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है किस पे। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये आपका गॉफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो गॉफ लिखते थे याद करो, वहां पर ये जी क्या होता था, इनवर्स ऑफ एफ होता था, ठीक, यानी कि यहां पर फंक्शन लिखा होता था और यहां उसका इनवर्स। तो यहां देखो फंक्शन लिखा हुआ है क्योंकि फंक्शन तुम्हारा जी है, और जी का इनवर्स क्या है, जी इनवर्स, ठीक। तो इसको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा आपको कौन से सेट पे, जी की डोमेन पे, और जी की डोमेन क्या है, बी, ये, ठीक। तो आइए जरा दिखाते हैं, अच्छा ये पहली बात हो गई, और दूसरी बात आपको क्या दिखाना है कि फॉग इज इक्वल्स टू, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर f की जगह क्या आ जाएगा, g, क्योंकि फंक्शन क्या हमारा g ऑफ, और पीछे क्या आता था फंक्शन का इनवर्स, तो यहां पे फंक्शन का इनवर्स क्या है, g इनवर्स, ठीक। तो ये हमको क्या दिखाना पड़ेगा, i, हाँ i क्या, g इनवर्स की डोमेन क्या है, g इनवर्स की डोमेन है ये वाली सेट, एप्पल बॉल कैट वाली, ठीक, और एप्पल बॉल कैट वाली का नाम क्या था, सेट c, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ठीक। अब ध्यान सारा चेक करिए क्या, पहले इसको दिखाते हैं फिर उसको। तो देखो g इनवर्स ऑफ के लिए पहले तो ऐसे लिखो, g इनवर्स ऑफ g, अब इनपुट क्या दोगे, g की डोमेन से, यानी कि सेट b से, सेट b में एलिमेंट क्या है, a, b, c, तो एक बार a दे दो इसको, तो क्या आ जाएगा, g इनवर्स, और ये o हटाएंगे तो g इनवर्स ऑफ g ऑफ a, और g इनवर्स ऑफ, हाँ भाई g ऑफ a कितना है, g ऑफ a एप्पल है, तो g इनवर्स ऑफ एप्पल। अब तुमने देखा था g इनवर्स ऑफ एप्पल कितना था, एप्पल किससे मैप कर रहा था, a से, यानी कि आंसर कितना आ गया, a, तो रखा क्या था, a, आ क्या गया, a। इसी तरीके से g इनवर्स ऑफ g ऑफ b, तो ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ g ऑफ b, ठीक, तो ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ, अच्छा g ऑफ b क्या था, g ऑफ b बॉल था, और g इनवर्स बॉल किससे मैप करता है, इनवर्स g इनवर्स फंक्शन में, a से, ठीक, बॉल b से, रखा क्या b, आ क्या गया b। इसी तरीके से g इनवर्स ऑफ g ऑफ c इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ g ऑफ c इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ g ऑफ c कितना है, g ऑफ c कैट है, तो g इनवर्स ऑफ कैट कितना है, c, रखा क्या c, आ क्या गया c, इसलिए g इनवर्स ऑफ g इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b, क्योंकि ये a b c किस में आ रहे हैं, सेट b में आ रहे हैं, है ना, तो जो रखा सेट b से वही आ गया, इसलिए फंक्शन आइडेंटिटी ऑन b। इसी तरीके से अब आप निकालोगे g ऑफ g इनवर्स, अब इनपुट कहाँ से दोगे, सेट c से, और सेट c क्या था आपका, ध्यान से चेक करिए, सेट c ये रहा आपका, ठीक। तो एक बार एप्पल दोगे यहाँ से, तो जब एप्पल इनपुट दोगे तो ये हो जाएगा g, o हटाओगे तो g ऑफ g इनवर्स ऑफ एप्पल, और g ऑफ, हाँ भाई g इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है, g इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है, a, और g ऑफ a कितना था, g ऑफ a कितना था, g ऑफ a था आपका एप्पल, ठीक। तो आपने क्या देखा कि जो रखा वही आ गया। अब इसी तरीके से आप दिखा दीजिएगा g ऑफ g इनवर्स ऑफ एप्पल की जगह बॉल इज इक्वल्स टू, ठीक, आंसर वापस क्या आ जाएगा, बॉल, आप करके देख लीजिएगा, और g ऑफ g इनवर्स ऑफ कैट, आंसर क्या आ जाएगा, कैट, ठीक। तो क्लियरली क्या g ऑफ g इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन c, ये भी दिखा दिया। बात करते हैं बच्चों किसकी, गॉफ की, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं किसकी, गॉफ की, गॉफ इनवर्टिबल था, हम मना नहीं कर रहे हैं, और गॉफ का इनवर्स भी आपने निकाल के रखा है, ये देखिए गॉफ का इनवर्स भी आपने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और गॉफ को आपने वन वन ऑन्टे तो पहले प्रूफ कर दिया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गॉफ के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी तो प्रूफ करिए। अब ध्यान से चेक करो कि गॉफ जो है वो हमारा कहां से कहां मैप कर रहा है, गॉफ कहां गया, गॉफ 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 कहां से कहां मैप करेगा बताओ, अगर ये ए से बी कर रहा है और ये बी से सी, तो गॉफ कहां से कहां करेगा, ए से सी पे,
हाँ, तो गॉफ कर रहा था ए से सी पे, हम पहले भी आपको इस क्वेश्चन बता चुके हैं। तो बताओ गॉफ का जो इन्वर्स होगा बच्चों, यानी कि गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, सी से ए पे, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये देखो अगर कोई फंक्शन एफ है और उसका इन्वर्स क्या है जी, तो ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भैया ये रहा पूरा फंक्शन, गॉफ क्या है यहां पर फंक्शन, और ये गॉफ का इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन का इन्वर्स ये है, तो इसको हम लिखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, लिख दिया। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, आपको लाना क्या होता था बताओ, यहां पीछे क्या लिखा रहता है, देखो बीच में ओ लिखा है, तो बीच में हमने ओ लिखा, ये क्या है फंक्शन, अरे एफ क्या है फंक्शन, और यहां क्या है फंक्शन का इन्वर्स। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ओ के पीछे तुमको फंक्शन लिखना है, और फंक्शन क्या है गॉफ, ये देखो, और ओ के पहले तुमको इस फंक्शन का इन्वर्स लिखना है, तो फंक्शन का इन्वर्स क्या है गॉफ इन्वर्स। ठीक, ये बात है बच्चों इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा इस बात को। ठीक, तो गॉफ इन्वर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लाना है अब आपको, कौन से सेट पे, एक्स पे, एक्स क्या है एफ की डोमेन, यानी कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन, तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा इसकी डोमेन क्या है सेट ए, तो इसको हमको आई ए लेके आना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी आप शो कर रहे हो, कौन सी वाली, गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन एक्स आ जाए, गॉफ का मतलब क्या, जी क्या होता था इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो ये रहा फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स यहाँ रखा और एफ की जगह फंक्शन रखेंगे, और फंक्शन क्या है गॉफ है, अरे है तो ये फंक्शन ही ना यार, ये फंक्शन का इन्वर्स। ठीक, तो एक तो ये बात लानी है, और दूसरी क्या लेके आनी होगी, इसी का उल्टा, मतलब गॉफ ऑफ गॉफ का इन्वर्स बराबर क्या आ जाए, बराबर आ जाए आइडेंटिटी, कौन से सेट पे, कौन से सेट पे, जो गॉफ इन्वर्स की मतलब जो बाद वाले फंक्शन की डोमेन हो, यानी कि गॉफ इन्वर्स की डोमेन, और गॉफ इन्वर्स की डोमेन क्या है सेट सी, तो इसको आइडेंटिटी ऑन सेट सी लेके आना है। कुछ नहीं करते, यहाँ पलट देते हैं ना, गॉफ का फॉग हो जाता था वैसे ही, इसको भी हमने पलट दिया यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे, तो ध्यान से चेक करो, आ जाए एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस इतना लिख दोगे क्लियरली ऐसा होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, गॉफ इन्वर्स, देखो ऑफ के लिए ओ लिखा हमने गॉफ, अब सुनो इसमें इनपुट कहाँ से दोगे, सेट ए से, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो पहले 1 लेते हैं हम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा गॉफ इन्वर्स, अब ये वाला ओ हटाओगे तो क्या हो जाएगा, गॉफ इन्वर्स ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब गॉफ इन्वर्स ये बाहर वाला ऐसे ही रहने दो, और इसको सॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक, मैं ज़्यादा नहीं आपको एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, गॉफ इन्वर्स ऑफ, अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, पहले तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है ए, ठीक तो जी एफ ऑफ 1 कितना है ए, और नेक्स्ट स्टेप में गॉफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स, जी ऑफ ए एप्पल है। ठीक है, तो जी ऑफ ए कितना हो गया, एप्पल आ गया। अब सुनो, गॉफ पूरा एक फंक्शन है, उसकी इनपुट अगर एप्पल दोगे तो गॉफ इन्वर्स की इनपुट एप्पल है, तो आउटपुट क्या है 1। अब ध्यान से चेक करो यार, रखा क्या था 1, इस पूरे फंक्शन में रखा क्या था 1, मिल क्या गया 1, और ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है सेट ए को, उसी तरीके से रखोगे 2 मिल क्या जाएगा 2, रखोगे 3 मिल क्या जाएगा 3, इसलिए जो गॉफ है, ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा हो जाता है क्या कि गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए। ठीक, इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करो, एक एलिमेंट के लिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक बाकी सबके लिए आप करिएगा, गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स, अब सुनो सॉरी गॉफ का इनवर्स, ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन की इनपुट कहाँ से दोगे सेट सी से, और सेट सी कहाँ गया आपका, ये रहा इसमें से, अगर हम एप्पल लें एज अ इनपुट, ठीक तो मिलना एप्पल ही चाहिए, आइए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा गॉफ, इसको ऐसे उतार लिया, ओ की जगह ऑफ लगाया, और गॉफ इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। ठीक, ये अरे भाई यहाँ पे ये ओ हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, और गॉफ इन्वर्स की इनपुट क्या हो जाएगी एप्पल। अब ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा 1, तो गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा 1, और सीधी सी बात है गॉफ का इनपुट अगर 1 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, मतलब अरे समझो ना यार भावनाओं को, ये गॉफ ऑफ 1 है मतलब इसका क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो है, और इसको सॉल्व करोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 है, और जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 तुम्हारा ए है, और जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए तुम्हारा एप्पल है। तो चेक करो, रखा क्या था एप्पल, और मिल क्या गया
एप्पल, इसलिए गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स भी आइडेंटिटी ऑन सी है। अब जाके हम कंफर्म हुए क्या कि एफ भी इन्वर्टेबल है, जी भी इन्वर्टेबल है और गॉफ भी क्या इन्वर्टेबल है, और ये रहे उनके इनवर्स, ये रहे उनके इनवर्स, ठीक है। जिसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहो, अब ये सब नोट कर लो तो मैं बताता हूँ, ठीक, ये सब नोट कर लो आप, ठीक। तो उन्होंने आपसे क्या बोला था, फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, ठीक। तो इनको अब हम आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, आंसर आप सेट के फॉर्म में करोगे, ठीक। तो गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ए कोमा वन, ये देखो सेट बना के ऑर्डर्ड पेयर में आंसर दोगे, ठीक। बी कोमा टू, बी कोमा टू और सी कोमा थ्री, ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से जी इनवर्स का आंसर कैसे दोगे, जी इनवर्स का आंसर सेट बना के दोगे, एप्पल कोमा ए, ठीक, एप्पल कोमा, और ये भी दिखा देना कि वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ठीक, एप्पल कॉमा ए। और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, बॉल कॉमा बी, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, कैट कॉमा सी, और इसी तरीके से गॉफ इनवर्स का आंसर कैसे दोगे स्टूडेंट्स, गॉफ के इनवर्स का आंसर कैसे दोगे, एप्पल कॉमा वन, और दूसरा एलिमेंट होगा क्या, बॉल कॉमा टू, और तीसरा एलिमेंट होगा क्या, कैट कॉमा थ्री, ये हो गए आपके आंसर, इतना कर लो, कर लिया, चलो। अब क्या कहता था वो, अब कहता था कि ये प्रूफ करो क्या कि गॉफ का इनवर्स, ठीक है, गॉफ का इनवर्स जो है, देखो गॉफ का इनवर्स अभी आपने निकाल के रखा हुआ था, ठीक है, क्या आया था, एप्पल कॉमा वन, ठीक, और बॉल कॉमा टू और कैट कॉमा थ्री, ये निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। अब कहता था कि गॉफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, निकाल के दिखाओ। तो बहुत इजी है, देखो जरा, पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम एलएचएस सॉल्व करेंगे और वहाँ हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो ये देखो गॉफ का जो इनवर्स है, तो गॉफ का जो इनवर्स है उसकी इनपुट क्या क्या होंगी बताओ, एप्पल बॉल कैट, तो तीनों के लिए करो, एक बार एप्पल के लिए करो, तो जब एप्पल के लिए करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान से चेक करना जरा, गॉफ का इनवर्स में अगर एप्पल एज अ इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन, तो सीधे आ गया वन। इसी तरीके से गॉफ, गॉफ का जो इनवर्स है, जो कि एक फंक्शन है, और फंक्शन में इनपुट क्या दी तुमने, बॉल, तो आउटपुट क्या मिला, टू। और इसी तरीके से, अरे यहीं से देख लो ना यार, दिख तो रहा है, ठीक, और गॉफ का जो इनवर्स है इसमें अगर तुमने कैट इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला तुमको, थ्री। तो यह आ गया एलएचएस, ठीक। अब तुमको निकालना है आरएचएस, आरएचएस ही मेन था, एलएचएस तो साफ साफ यहां निकला पड़ा हुआ है। तो आरएचएस क्या था बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक। इसको कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करना, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है तो ये पूरा एक फंक्शन ही ना, और इस फंक्शन को इनपुट क्या दोगे, जो जी की डोमेन होगी, जो जी की इनपुट होगी वही तो इसकी इनपुट होगी यार, ठीक। तो जी कह रहा हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ये, तो जो जी इनवर्स की इनपुट होगी वही इस पूरे फंक्शन की इनपुट होगी, ठीक है। अब जी इनवर्स की पहली इनपुट क्या है, एप्पल, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एप्पल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल, यही तो बात होगी यार। और नेक्स्ट एफ इनवर्स, और ये ओ हटाकर आप ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो एफ इनवर्स ऑफ, अब जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है स्टूडेंट्स, जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है, ए है, तो यहाँ आ जाएगा ए। तो एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, वन था, ठीक। तो ये बात आ गई, यानी कि ध्यान से चेक करिएगा क्या कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना आया, वन आ गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जी इनवर्स की दूसरी इनपुट क्या है, बॉल है, तो यहाँ हम इनपुट डालेंगे क्या, बॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ रहोगे मैं क्या कर रहा हूँ। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, बी, ठीक। तो एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी, टू हो जाएगा, यानी कि दूसरी बात आई, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टू आ गया। अब आप तीसरा खुद करोगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट अगर हम रखें तो कितना आ जाएगा, थ्री। मेरी बात बच्चों अब ध्यान से सुनिए, एक तो आपने गॉफ इनवर्स वाला सेट बना के रखा है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना एक सेट बना के दिखाओ, कौन सा वाला, एफ इनवर्स ऑफ, इसको इक्वेशन, ये सेट बना के रखा आपने, ठीक,
एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का सेट बना के दिखाओ मुझे। तो आप बोलोगे यहाँ से बना लो सेट, कैसे बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ये रहा इनपुट ये रहा आउटपुट, यानी कि एप्पल कॉमा वन और बॉल कॉमा टू और कैट कॉमा थ्री। तो बच्चों क्लियरली गॉफ इनवर्स जो कि एक फंक्शन है तो वो एक सेट के फॉर्म में होगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जो सेट ये है वही सेट तो ये है, यानी गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। अब हुआ है क्वेश्चन, कर लीजिए थ्योरम नंबर टू देखिए आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि इस पे बेसिक क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगर आप एग्जाम में चाहते हो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छोटे रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, तो ये थ्योरम आप कर लो। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो अपने साथ कि भाई कुछ भी मार्क्स आ जाए चलेगा, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक, क्योंकि पता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी तो इसको पूछेगा, कभी पूछा नहीं गया बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते हो। सुनो, तो यही वाला थ्योरम आपको प्रूफ करना है कि अगर एक फंक्शन है वो एक्स से वाई मैप कर रहा है और जी वाई से जेड मैप कर रहा है और ये दोनों ही क्या इन्वर्टेबल है। ध्यान दीजिएगा, एफ और जी दोनों ही इन्वर्टेबल, मतलब एफ बी वन वन है और जी भी क्या है, सॉरी एफ भी बाइजेक्टिव है और जी भी क्या है बाइजेक्टिव है। तो कह रहा है कि गॉफ जो होगा वो एक्स से जेड पे मैप करेगा और गॉफ भी क्या होगा इन्वर्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो गॉफ भी क्या होगा इन्वर्टेबल होगा और सच दैट कि गॉफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा। तो सुनो, सॉल्यूशन में हमने कुछ बातें पहले लिख ली यहाँ पर। सुनो, एफ मैप कर रहा है एक्स से वाई और एफ क्या है बाइजेक्टिव है। बच्चों अगर एफ बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर एफ बाइजेक्टिव है तो मुझे बताइए, और जी भी अगर बाइजेक्टिव है तो गॉफ गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ। अरे ये तो पढ़ चुके यार, मैपिंग में मैंने कई बार बताया है क्या कि गॉफ मैप करेगा ए से सी पे, यानी कि कहाँ पे, एफ के डोमेन से लेकर जी के को डोमेन पे, यानी कि एक्स से वाई पे। ठीक, ये बात हो जाएगी। ठीक, अब एक बात बताओ कि हमने आपको दिखाया था अगर एफ बाइजेक्टिव हो और जी बाइजेक्टिव हो, याद है आपको, एक डायग्राम बना देते हैं। चलिए ये रहा एफ, ठीक है, और ध्यान से थोड़ा सा सोचिएगा, एक्स वाई और जेड, एफ मैप कर रहा है एक्स से वाई और जी मैप कर रहा है वाई से जेड। ठीक, तो याद होगा आपको कुछ ऐसी कहानी होती थी, ठीक, क्या कि एफ वन एफ बी ऑन वन वन ऑन, मतलब एफ बी बाइजेक्टिव था जी बी बाइजेक्टिव था। तो आपने गौर किया था क्या कि जब हम गॉफ निकाल के लाते थे तो गॉफ मैप करता था कहाँ से कहाँ, जेड से वाई पे, और गॉफ भी तो ऑनटो ही वन वन ऑनटो होता था, तो गॉफ भी तो बाइजेक्टिव होता था ना, पक्का यार। मैपिंग करके मैंने जब ये टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको गॉफ का डायग्राम बना के दिखाया था, वो भी क्या था वन वन एंड ऑनटो, तो गॉफ भी क्या होगा बाइजेक्टिव। तो इसी दोनों बातों को देखते हुए, या फिर आप याद ही कर लीजिए, अगर एफ बाइजेक्टिव है जी बाइजेक्टिव है तो पक्का गॉफ क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। ठीक, ये हमने आपको एक थ्योरम भी पढ़ाई थी एनसीईआरटी में। ठीक, तो गॉफ इज गॉफ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई इज व्हाट इज बाइजेक्टिव। अब एक बात बताओ, गॉफ अगर बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स, गॉफ अगर बाइजेक्टिव है, गॉफ को आपने बाइजेक्टिव कर दिया, ठीक, तो भैया अगर गॉफ एक फंक्शन है और वो अगर बाइजेक्टिव है तो पक्का इन्वर्टेबल होगा। अरे यार, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल होता है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि गॉफ इज बाइजेक्टिव, और अगर गॉफ बाइजेक्टिव है तो गॉफ का इन्वर्स निकाला जा सकता है, और गॉफ के इन्वर्स को तुम गॉफ इन्वर्स से दिखाओगे, और गॉफ इन्वर्स मैप करेगा कहाँ वाई से कहाँ मैप करेगा एक्स पे। ये बात समझ में आई, मतलब आपको गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स लेके आना था। तो पहले ये तो बता दो यार कि गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो हमने गॉफ को बाइजेक्टिव दिखा दिया, इसलिए गॉफ का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे लिखेंगे गॉफ इन्वर्स फ्रॉम वाई टू एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ये बात पक्की हो गई, पक्का हो गया यहाँ, यानी कि अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये वाली थ्योरम ट्रू है कि नहीं है। ठीक, अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, आपने LHS पे एक बार फोकस किया, अब आप RHS पे फोकस करिए। ठीक, RHS पे किस तरीके से फोकस करोगे आप, ध्यान से चेक करिएगा कि F बाइजेक्टिव है तो F का इन्वर्स भी निकालना पॉसिबल है, और G अगर बाइजेक्टिव है तो G का इन्वर्स भी निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप चेक करें तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि ये देखो, तीन सेट हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, F इनवर्स चलो बताओ और G इनवर्स चलो बताओ, F इनवर्स बताओ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, ये पलट जाएगा Y से X पे, तो F इनवर्स मैप करेगा तुम्हारा कहाँ से कहाँ, Y से, ये सेट Y हो जाएगा, ये सेट X हो जाएगा। ठीक, और G इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, G इनवर्स ऐसे पलट जाएगा। ठीक, तो G इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, Z से Y पे। ठीक, तो G इनवर्स को हम आपको अलग से ही बना के दिखा देते हैं।
ठीक, एफ इनवर्स कहां से कहां मैप किया, एक्स से वाई पे, और जी इनवर्स कहां से कहां मैप किया, जी इनवर्स मैप किया आपका कहां से कहां, वाई से, सॉरी जेड से वाई पे, पलट जाएगा ये, जेड से वाई पे, ठीक, जेड से वाई पे, ये हो गया एक्स से वाई, नहीं ये वाई से एक्स होगा, ये वाई से एक्स होगा, ठीक। अब सुनो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, पहले बताओ क्या ये निकालना पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि ध्यान से सुनो, रेंज ऑफ जी इनवर्स, ध्यान से सुनना, अगर तुम पढ़ के आओगे पहले तो पता चल जाएगा, क्या एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन करना पॉसिबल है, तभी पॉसिबल होगा जब बाद वाले का रेंज, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ध्यान से चेक करो, एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, वाई, और जी इनवर्स की रेंज क्या है, वाई, तो ये जो वाई सेट है वो वाई सेट का ही तो सबसेट होगा यार, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ये कंपोजिशन निकालना पॉसिबल है। सुनो मेरी बात, एफ एक फंक्शन था तो एफ इनवर्स भी तो एक फंक्शन है, बिल्कुल सही, ये रहा आपके सामने, जी एक फंक्शन था तो जी इनवर्स भी एक फंक्शन है, ये रहा आपके सामने, ठीक। तो सुनो, क्या आप एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन करके एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकाल सकते हो, हाँ, कंपोजिशन कब कर सकते थे, याद करो, जब बाद वाले का फंक्शन का जो रेंज होता था वो सबसेट हो किसके, डोमेन ऑफ पहले वाले का, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ जी इनवर्स क्या है, चेक करो, ये रहा रेंज ऑफ जी इनवर्स, क्योंकि यही रेंज है, क्यों, क्योंकि जी इनवर्स क्या है, 1 1 एंड 1 2 है ना, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स क्या है, वाई, एंड वाई इज द सबसेट ऑफ व्हाट, सॉरी, वाई इज द सबसेट ऑफ वाई, ऑब्वियसली, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है, वाई, वाई इज द सबसेट ऑफ वाई, यस, इक्वल भी लगा सकते हो आप, दोनों सेट इक्वल है तो कोई भी सेट अपने का आपका सबसेट होता है, तो ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये मैप कहां से कहां करेगा ये मुझे बता दो, चलो, ये मैप करेगा कहां से कहां, जी इनवर्स के डोमेन से, जी इनवर्स की डोमेन क्या है, जेड से कहां मैप करेगा, जी इनवर्स की डोमेन से ये मैप करेगा बच्चों कहां, एफ इनवर्स की, एफ इनवर्स के को डोमेन पे, ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि गॉफ कहां मैप करता था, एफ की डोमेन से कहां पर, जी के एफ कहां, गॉफ कहां से कहां मैप करता था, एफ की डोमेन से जी के को डोमेन पे, ठीक है, हाँ ठीक है, तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये फॉग एफ इनवर्स ऑफ, तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहां से कहां मैप करेगा, जेड से एक्स पे, क्यों, क्योंकि गॉफ कहां से कहां मैप करता था, डोमेन ऑफ एफ टू को डोमेन ऑफ जी, तो ये कहां से मैप करेगा, कहां से कहां मैप करेगा, डोमेन ऑफ जी इनवर्स टू को डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो डोमेन ऑफ जी इनवर्स क्या है, जेड, और को डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है, एक्स है, ठीक, तो ये हो गया, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहां से कहां मैप करेगा ये आपने बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब सुनिए, देखिए, अब हमने तीन एलिमेंट लिए, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तीन एलिमेंट चूज किए हमने, सेट एक्स वाई और जेड में से ही हमने तीन एलिमेंट चूज किए, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, बिल्कुल यार, क्यों, क्योंकि एफ मैप कर रहा है कहां से कहां, एक्स से वाई पे, और इसी तरीके से जी ऑफ वाई, मतलब जब जी फंक्शन में तुम इनपुट क्या रखोगे, वाई, तो आउटपुट क्या आएगा, जेड, ठीक। तो सुनो, अब यहां पर एक बार हम क्या निकालते हैं, एक बार हम LHS निकालने की कोशिश करते हैं, और LHS निकालने के लिए मतलब आपको गॉफ इनवर्स निकालना पड़ेगा, गॉफ इनवर्स से पहले आप गॉफ निकाल लो, तो सुनो, पहले मैं यहां गॉफ निकाल लूं, तो गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ कैसे निकालोगे, गॉफ ऑफ एक्स करके निकालोगे, क्योंकि जो एफ की डोमेन होगी वही यहां रखोगे, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज वाई, यानी कि जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई कितना है स्टूडेंट्स, जी ऑफ वाई जेड है, ठीक, फॉर ऑल, ये लिख दीजिएगा पहले, कि आगे लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू सेट वाई, एंड जेड बिलोंग्स टू सेट जेड, ठीक। अब स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, मोटी मोटी बात यहां पर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि गॉफ ऑफ एक्स कितना आ गया, जेड, गॉफ ऑफ एक्स कितना आ गया, जेड, तो
गॉफ का इन्वर्स निकालना तो पहले ही पॉसिबल था, मैंने आपको बताया था कि गॉफ 1-1 एंड ऑन टू गॉफ बाइजेक्टिव था, तो गॉफ का इन्वर्स क्या होगा बताओ? तो गॉफ का अगर मैं तुमसे इन्वर्स पूछूं स्टूडेंट, तो जो आउटपुट आया था वो इनपुट हो जाएगा, जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा, यानी कि समझो जरा, गॉफ का इनपुट क्या था? एक्स, और ये एक्स किसको बिलोंग करता था? सेट एक्स को, यानी कि सेट कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट एज अ इनपुट गॉफ में रखा जाता था, आउटपुट जेड मिलता था, तो गॉफ का इन्वर्स क्या होगा कि गॉफ के इन्वर्स अब इनपुट क्या हो जाएंगे? स्मॉल जेड, यानी कि सभी एलिमेंट जो किसको बिलोंग करते हैं? सेट जेड को, और आउटपुट क्या आ जाएगी? एक्स। तो ये आ गया आपका गॉफ इन्वर्स आ गया, ठीक। और आपको आगे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स वाई जेड, फॉर ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, y belongs to y and z belongs to what? z, ठीक। तो ये आप बना लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो गॉफ इनवर्स ऑफ z कितना आ गया? x आ गया। अगर RHS भी इतना ही आ जाए, मतलब अब ये LHS निकाला था, ध्यान रखना, ये हमने क्या निकाला था? LHS निकाला था। अब हम निकालेंगे क्या? RHS। तो RHS क्या है? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक। तो इस f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की डोमेन क्या होगी? जो g इनवर्स की डोमेन है, और g इनवर्स की डोमेन क्या है? z है। तो हम निकालेंगे क्या? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z, यानी कि f इनवर्स ऑफ o की जगह ऑफ g इनवर्स ऑफ z, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ, हाँ, g इनवर्स ऑफ z कितना है बच्चों? g इनवर्स ऑफ z, मतलब g इनवर्स ऑफ z, जब z रखते हो तो आउटपुट क्या आता है? y। तो यहाँ आ जाएगा क्या? y इज इक्वल्स टू, अब f इनवर्स ऑफ y कितना है? हाँ भाई, f इनवर्स ऑफ y कितना आ जाएगा? x। तो f इनवर्स ऑफ y कितना आ जाएगा? x, ठीक। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए क्या कि RHS क्या था आपका? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना आ गया? x। तो LHS भी x आ गया और RHS भी आ गया, hence what? hence LHS इज इक्वल्स टू what? RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि क्या आ गया? गॉफ इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ what? g इनवर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y belongs to y and z belongs to what? z। अब बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चे बोलेंगे NCERT में तो अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ है। सुनो, NCERT में जो प्रूफ किया हुआ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हमें समझ में भी नहीं आएगा, हालांकि बहुत छोटा किया हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे वैसे हो जाता तो अच्छा रहता, रट लेते। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक। ये वाला मेथड देखिए कितना सही है, इसमें फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये वीडियो बच्चों लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जो एग्जांपल नंबर 28 है एनसीईआरटी में, बहुत इजी है यार, चेक कर लो उसको, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि कोई फंक्शन है वो एस से एस पे मैप कर रहा है, ठीक है, एस से एस पे मैप कर रहा है, तो बताओ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो बस आपको ये चेक करना है कि 1-1 ऑनटो कौन सा है, तो जो 1-1 ऑनटो होगा उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो दूसरा वाला है वो 1-1 नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट बी 1-1 नहीं, क्यों? क्योंकि वो मैनी वन है। क्यों मैनी वन है वो? क्योंकि एफ ऑफ टू भी कितना आ रहा है? 1, और एफ ऑफ थ्री भी कितना आ रहा है? 1। तो 2 भी 1 से मैप है और 3 भी 1 से मैप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।